वही उसका ही देख रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही है। आया ना भैया? भी नहीं आ रही है। नहीं, आपका इनपुट का, यहाँ पे इनपुट का वो प्रॉब्लम है, यहाँ से कुछ बढ़ाना है क्या वॉल्यूम? ये अपना इसका आ रहा है, ये नहीं लेना है। हमारे आचार्य श्रेष्ठ बल्लभपुर शिरोमणि सौम्य के सम्राट पूज्य पाद गोस्वामी श्री ब्रजोत्सव की भाष्य से श्री मुख से कथा का रसमान यहाँ पर करें, जिससे तो हम सभी आप श्री से परिचित हैं, लेकिन उनके जो व्यक्तित्व है, उनका जो एक विराट स्वरूप है, उनके जो गहराइयां हैं, उनका जो रहस्य है, ये भी हमें जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अनुग्रहित मन रुदित है। आचार्य श्री विराजित जो यहाँ आप उदित है मंच पर, सूरज दमक रहा यहाँ, सूरज दमक रहा यहाँ, सूरज जब हमारे सम्मुख हो तो हमारे तो वैसे ही नेत्र नहीं खुलते हैं, फिर भी हम हिम्मत करके कुछ जुटा करके हिम्मत करके आपके समक्ष आपसे परिचय प्रस्तुत करता हूँ। जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु विजय है, अनंत श्री विभूषी जगत गुरु विहादीश्वर युवराज सर्वतोमुखी सामने के सोमयाजी दीक्षित जगत गुरु श्रीमद वल्लभ संप्रदाय डॉक्टर गोस्वामी श्री ब्रजोत्सव जी महोदय श्री अनंत श्री विभूषी महाराजा की राज जगत गुरु पीठाधीश्वर युवराज सर्वसमूहि साधनी के सोम यज्ञ दीक्षित पूज्यपाद गोस्वामी डॉक्टर श्री ब्रजोत्सव जी बाबा श्री आप श्री वेद व्यास विष्णु स्वामी संप्रदाय श्रीमद वल्लभ संप्रदाय के आचार्य हैं, आप श्री पद्मश्री एवं पद्म भूषण जगत गुरु पीठाधीश्वर साधनी के सोम यज्ञ दीक्षित अनंत श्री विभूषी महाराजा की राज डॉक्टर आचार्य गोस्वामी श्री गोकुल उत्सव जी महाराज के सुपुत्र युवराज में आप श्री दो बार राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित है, साथ ही आपको संगीत रत्न एवं देश के वरिष्ठ शास्त्रीय संगीतज्ञ विद्वान द्वारा स्व सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आचार्य श्री ब्रजोत्सव जी दक्षिण भारत महाराष्ट्र गुजरात के वेदांत के महान विद्वानों ने वेद मूर्ति और ब्रह्म विद्या उपाधि से विभूषित किया है। आचार्य श्री आप लुप्त हो रही वैदिक संस्कृति की प्राचीनतम एवं श्रेष्ठ परंपरा सोम याग के विजय ध्वज वाहक है। पिताश्री एवं गुरुदेव
अनंत श्री विभूषी डॉक्टर आचार्य गोस्वामी श्री गोकुलोत्सव जी महाराज श्री आप सोम यज्ञ की दीक्षा से दीक्षित थे। आचार्य गोस्वामी श्री ब्रजोत्सव जी ने बहुत कम उम्र में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में वैदिक सोम यज्ञ करने का विश्व कीर्तिमान वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। डॉक्टर बनी से अभिनंदन किया जाए आप सभी को सोम यज्ञ सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। आपको वेद वेदांत धर्मशास्त्र भारतीय शास्त्रीय संगीत अलंकरण की उपाधि में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं जिनमें कुछ का नाम आपने सबसे पहले सुना है। अन्य नाम है इंटरनेशनल पीस एंड पीस वैदिक पुरोधा ग्रेट वॉइस ऑफ इंडिया आदि। आपने दो बार पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री भी प्राप्त की है। आपने सर्वधर्म सम्मेलन वेद वेदांत सम्मेलन और संगीत सम्मेलनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। श्री भागवत जी के अलावा श्री गीता जी वेद वेदांत उपनिषद एवं मीमांसा धर्मशास्त्र पर भी संपूर्ण विश्व में अपने ज्ञान भक्ति गंगा प्रवाहित कर रहे हैं। आप श्री अंतरराष्ट्रीय ख्याति का शास्त्रीय गायक और विद्वान थे। आपने कई बार देश ही नहीं विदेश में भी सर्वधर्म सम्मेलन करके भारतीय संस्कृति का गौरवमय घंटा बजाया है। संगीत एवं संस्कृति का शंखनाद किया है। ऐसे वल्लभपुर आचार्य श्रेष्ठ को आज हम मंच पर हमारे समक्ष पाकर के उत्साहित है, प्रफुल्लित है। हमारा मन बारंबार नमन करने को आतुर है। उपस्थित विष्णु ग्रंथ आप श्री श्रीमद् भागवत कथा अमृत प्रस्थान करते हुए 20 वर्ष हो चुके हैं और आज 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये 21वें वर्ष में आप श्री भागवत कथा का अमृत प्रस्थान हम सब विष्णुओं के हितार्थ हम सब विष्णुओं के सुखार्थ एवं लाभार्थ यहाँ पर हमें प्रस्थान कराएंगे। उपस्थित समस्त वैष्णवगण मेरा आपसे बारंबार अनुरोध है मंच के नीचे अपना स्थान ग्रहण करें। केवल वल्लभपुर परिवार मंच पर विराजमान रहे, बाकी अन्य सभी वैष्णव जब मैं नाम यहाँ से पुकारूंगा जब ही आप ऊपर प्रवेश करें। आप श्री व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं, एक बार जय घोष लगा देते हैं। हमारे पौराणिक पंडित गण का भी अगर कार्य संपन्न हो चुका है तो उनसे भी नम्र होकर निवेदन है वे भी कृपा करके मंच के नीचे पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। अधिकारी शेष है तो मेरी इस विनती को अस्वीकार करें। मुझे श्री वल्लभा ईश की श्री गोवर्धन नाथ की श्री भागवत महापुराण की पूज्य काकी जी महाराज श्री के पावन श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए इंदौर स्थित समस्त वल्लभपुर आचार्य चरणों के पावन श्री चरणों में दंडवत करते हुए मंचासीन पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री गोकुलोत्सव जी महाराज श्री के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए पूज्य गोस्वामी श्री उमंग बाबा श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए तथा व्यासपीठ पर विराजमान वल्लभपुर शिरोमणि आचार्य श्रेष्ठ पुष्टि प्रवर्तक पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री ब्रजोत्सव जी बाबा श्री के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं संजय नागर आज के इस कार्यक्रम का संचालन आप श्री की आज्ञानुसार करने की आप श्री के श्री चरणों में विनती करता हूँ। सर्वप्रथम एक संक्षिप्त सी अभिनंदन की लीला मनोरथी परिवार यानी कि
भागवत कथा रस है, मनोरथ जैन श्री यमुना महिला मंडल उनकी ओर से, यमुना महिला मंडल परिवार की ओर से श्री राजकुमार जी और श्री श्रीमती सारिका की महिमा श्री भागवत महापुराण का पूजन कर रहे हैं। आप श्री का अभिनंदन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। Oh, my God.
हम कितने सौभाग्यशाली हैं ये बताने की भी आवश्यकता नहीं है, हमारे भाग के कितने प्रबल हैं। मैं 2 मिनट की संक्षिप्त सी अभिनंदन की वेदा करना चाहता हूँ आपसे, के विनती करता हूँ। श्री अनिल जी एवं श्रीमती सुनीता जी महाजन शीघ्रता पूर्वक मंच पर पधारे हैं, आपसे पुष्पमाला से अभिनंदन कर उनसे चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती पुष्पा जी सोनी, श्रीमती सुमन जी नीमा, श्री यमुना महिला मंडल की सदस्य हैं, आप सम्मान पूर्वक मंच पर आमंत्रित है, आप सबका अभिनंदन करते हैं। प्रको बुझे श्रीमद् भागवत लाभ सतो गीत शुकाति भी। जब किसी व्यक्ति के कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब उन्हें ठाकुर जी की कथा श्रवण एवं मनन करने का मौका मिलता है। श्रीमद् भागवतम स्वयं श्री कृष्ण का मित्र है। यदि हमारे प्रार्थना जो कथा सुनने के बनते हैं तो इसका अर्थ ये है कि ठाकुर जी ने हमारी बाह पकड़ ली है।
श्री गोपी जन वल्लभ श्री राधा प्राण वल्लभ मास
करते हैं। गोवर्धन धर प्रभु के निज आंगन में श्री गोवर्धन नाथ के मंदिर में हो रहा है, ये बहुत प्रसन्नता का विषय है, बड़ा आनंद का विषय है। क्यों? क्योंकि यह तो साक्षात श्री ठाकुर जी का लीला स्थान है, लीला स्थली है, नित्य नूतन नित्य लीलाएं यहाँ पर श्री ठाकुर जी श्री गोवर्धन धर प्रभु समस्त वैष्णव जनों के साथ, समस्त लीला परिकर के साथ, सब गोपी जनों के साथ, ग्वाल बाल के साथ करते हैं। यह साक्षात ब्रजधाम है। प्रसन्नता का विषय है। सर्वप्रथम श्री गोवर्धन धर प्रभु के श्री बलदेव जी दाऊ दादा के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे सभी राजजी महाराज, हमारे सब पूर्वज राज्य महाराज बड़े सब यहाँ विराजमान हैं। आप श्री की बैठक जी है वहां पे सबको दंडवत प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय हमारे श्री दादी जी महाराज, आप सबके श्री काकी जी महाराज जनगत प्रणाम करते हुए आज्ञा कहते हुए हमारे पूज्य पिता श्री हमारे माता श्री महा विराजमान उनको जनगत प्रणाम आज्ञा देते हुए एक बार जोरदार जयकारे से बोलो श्री कृष्ण कन्हैया श्री गोवर्धन शुभारंभ किया था। जानकी लाल जी और विशेषतः श्री मनोहर जी महाराज जी से जोड़ वाले और जिस प्रकार गोपियों ने भगवत लीला का रसपान किया, श्री ठाकुर जी की वेणुनाद का रसपान किया, उस लीला
हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर का श्री यमुना महिला मंडल गोपी मंडल जो इसमें मुख्य मनोरथी है। ये बालमयी मूर्ति है अर्थात वाणी स्वरूप है श्री ठाकुर जी का। मूर्ति किसे कहा जाता है? जो मूर्त हो जो प्रत्यक्ष हो, तो श्रीमद भागवत जो है कोई पोथी जी नहीं है, ये साक्षात ठाकुर जी का रसात्मक स्वरूप है। तो श्रीमद भागवत जी का स्वरूप हम समझे कि श्रीमद भागवत जी क्या है। कृष्णचंद्र प्रभु का वचनामृत है श्रीमद् भागवत। कृष्णचंद्र प्रभु का वचनामृत है, सुधामृत है, मधुरामृत है, श्रीमद् भागवत भगवान का रसामृत है। श्रीमद् भागवत भगवान का चरणामृत है। श्रीमद् भागवत भगवान का लीलामृत है। भगवान का सुधामृत है, यह सुधामृत भी है, कृपामृत भी है, रसामृत भी है, चरणामृत भी है, वचनामृत भी है। और सबसे बड़ी बात ये श्री ठाकुर जी का साक्षात आत्मरंजन है। और आत्मरंजन भी कैसा कि जो परमात्मा रंजन करे। जब मनुष्य को आनंद देना होता है तो मनुष्य क्या करता है? मोबाइल से फिल्म देखता है, अपने मित्रों को बुलाता है, कोई ना कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, गार्डन में जाता है, सिनेमा में जाता है। लेकिन जब परमात्मा को मनोरंजन करना होता है तो वह क्या करता है? जब प्रभु को मनोरंजन करना होता है तब वह आप सब वैष्णवों के बीच में विराजमान होकर कीर्तन की ताल में ताल देकर नृत्य करते हुए अपनी श्रीमद् भागवत लीला का रसपान करते हैं। हमारे हृदय में विराजमान होकर, हमारे घर में विराजमान होकर,
उत्पन्न करने का मार्ग है श्रीमद् भागवत। उस परमात्मा का भी आत्मरंजन करने का मार्ग है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के लिए कहा गया है कि भागवत की यात्रा भक्त और भगवान की यात्रा। श्रेय परम आवाप्य मदन्य तेन जानन्ते नाहं ते भो मनागरति। परस्पर संबंध का शास्त्र श्रीमद् भागवत रस शास्त्र है। इसीलिए तो जैसे ही श्रीमद् भागवत जी का मालूम पड़ता है दूर दूर से वैष्णव चले आते हैं। क्यों? क्योंकि यह श्री ठाकुर जी का नादामृत है। जैसे हमारे श्री गोवर्धन नाथ प्रभु श्रृंगार से लेके शयन तक वेणु वादन करके अपने वैष्णव भक्तों को बुलाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के स्वरूप में श्री ठाकुर जी विराजमान होकर आप सबको प्रेम का भाव का निमंत्रण दे रहे हैं और आप सब यहाँ दौड़े चले आ रहे हैं। प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस महात्म्य का दिवस होता है, अर्थात महात्म्य समझाया जाता है श्रीमद् भागवत का। तो महात्म्य क्यों समझाया जाता है? महात्म्य का रहस्य क्या है? बार बार एक ही वस्तु का ज्ञान करवाया जाता है। ये भी उठ सकता है मन में कि जितनी बार भागवत जी सुनो उतनी बार महात्मा सुनने की क्या आवश्यकता है? उसका रहस्य ये समझाते हैं कि मनुष्य का मन जो होता है वो माया के प्रकोप से बहुत जल्दी मलिन हो जाता है। मन कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, मन कितना भी सुंदर क्यों नहीं हो, लेकिन अगर उसे बार बार महत्व न समझाया जाए सत्संग का, मन मलिन हो जाता है। जैसे कितना भी अच्छा कमरा क्यों नहीं हो, कितना ही सजा धजा कमरा क्यों नहीं हो, उसके सब खिड़की दरवाजे बंद कर दो, पर्दे लगा दो, भले ताला लगा के रख दो, लेकिन अगर चार दिन बाद पांच दिन बाद उसको खोलोगे तो उसमें धूल की परत जमने लग जाएगी। ऐसे ही मनुष्य के मन में धूल की परत जमने लग जाती है, क्योंकि तो मनुष्य माया के प्रभाव में आ जाता है और वो भूल जाता है कि आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। तो श्रीमद् भागवत महात्म्य समझाती है और महात्म्य बड़ी समझने की बात है कि श्रीमद् भागवत किसका महात्म समझाना चाहती है। श्रीमद् भागवत में तीन प्रकार के महात्म समझाए गए हैं। तो श्रीमद् भागवत क्या है जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है, भगवान के यश का वर्णन किया है, वह श्रीमद् भागवत है। इसलिए भागवत में सबसे पहला महात्म्य जो है श्री
ठाकुर जी का आता है भागवत, भगवान का महत्व समझाना चाहती है कि भगवान कौन है। दूसरा, महत्व क्यों श्रवण करवाया जाता है? कौशिकी संहिता में, पद्म पुराण में, अन्य ग्रंथों में भागवत जी का महात्म्य श्रवण करवाया है, समझाया है। तो दूसरा महात्म्य श्रीमद् भागवत जी का वर्णन करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो समझाया गया है वो तीसरा महात्म्य समझाया गया है कि श्रीमद् भागवत है क्या। भागवत वो है जिसमें भगवान से भी ज्यादा भक्तों के चरित्र का और यश का वर्णन किया गया है। तो श्रीमद् भागवत में तीन महात्म्य, पहला महात्म्य भगवान का समझना आवश्यक है, दूसरा महात्म्य श्रीमद् भागवत ग्रंथ का समझना आवश्यक है, और तीसरा महात्म्य भागवत के महान भक्तों का समझना आवश्यक है। कौन है आप और हम? तो सबसे पहले हम अपना महात्म्य समझें कि हम कौन है, तभी तो जाके हमें भागवत का महात्म्य समझ आएगा, तभी हमें भागवत के भक्तों का महात्म्य समझ में आएगा। श्रीमद् भागवत में श्री यशोदा जी कौन हुई है, श्री नंद बाबा कौन है, समस्त ग्वालवाल कौन है, गोपीचंद कौन है, तभी हमें समझ में आएगा कि श्रीमद् भागवत के भक्त कितने महान और प्रतापी भक्त हुए हैं कि जिन्होंने उस निराकार ब्रह्म को साकार ब्रह्म में श्री कृष्ण के रूप में प्रकट कर दिया, उस निराकार को अपने प्रेम से निराकार बना दिया, साकार कर दिया। जैसे महान भक्तों का ग्रंथ है, एक भक्त ने प्रार्थना की कि वह भगवान, वह ब्रह्म मेरा सखा बन जाए, कृष्ण ग्वाल रूप में सखा बनकर पधार गए। किसी गोपी ने कामना की कि मुझे उस परमात्मा की बंसी का नाद सुनना है, तो उस गोपी के लिए प्रभु मुरलीधर बनकर पधार गए। किसी गोपी ने कामना की छोटा सा कन्हैया यशोदा का लाला मेरे घर पे माखन आरोपने के लिए पधारे, तो भगवान माखन चोर बन गए। तो भागवत के भक्त ऐसे महान भक्त हैं कि जिन्होंने भगवान को भी रूप प्रदान किया और भगवान को भी स्वरूप प्रदान किया, उनके भाव के प्रेम के वशीभूत होकर भगवान गोलोक की लीला छोड़कर गोकुल में ब्रज वृंदावन में लीला करने के लिए प्रकट हो गए। तो वही हम गोपीजन हैं, वही हम ग्वालवाल हैं, वही हम श्री नंदराय हैं, वही हम श्री यशोदा जी हैं। तो सर्वप्रथम अपना महात्म्य समझे कि हम कौन है। महात्म्य का मतलब स्वरूप ज्ञान, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। भगवान ने मुझे, प्रभु ने मुझे मनुष्य बनाया है,
तो मेरा कर्तव्य क्या है? प्रभु ने मुझे वैष्णव बनाया है तो मेरा धर्म क्या है? इसको समझना ही स्वरूप ज्ञान करना है। और जब यह स्वरूप ज्ञान हो जाता है तो उसे कहा जाता है आत्मज्ञान होना। मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है कि इस धरती के ऊपर मनुष्य जन्म लेके और वह भी वैष्णव परिवार में जन्म लेके मुझे क्या कर्तव्य करना है। वह अपनी मूल सत्ता को समझ जाता है। तो जब वह अपनी मूल सत्ता को समझ जाता है कि मैं कौन हूं, तो वो सोहम की रग छोड़ के दासो हम की रग लगाना चालू कर देता है कि हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, हे प्रभु मैं वैष्णव हूँ, हे प्रभु मैं श्री वल्लभ का जीव हूँ, वल्लभ ही वैष्णव हूँ। तो यह ज्ञान होना कि मैं वल्लभ ही वैष्णव हूँ, यही करोगे तब तक भगवान का ज्ञान कैसे करोगे? जब तक स्वयं का ज्ञान नहीं रहेगा तब तक शास्त्र का ज्ञान कैसे होगा? आज मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो संसार का ज्ञान करने में लगा वो पूरे संसार का ज्ञान भी देता है, पूरे संसार का ज्ञान है। लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो खुद का ज्ञान नहीं है, खुद के कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, स्वयं के दायित्व का ज्ञान नहीं है। तो श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है? श्रीमद् भागवत हमें यह ज्ञान करवाती है कि हम वैष्णव हैं। श्रीमद् भागवत हमें भाव संपन्न बनाती है। श्रीमद् भागवत हमें भक्ति संपन्न बनाती है और श्रीमद् भागवत हमें ज्ञान संपन्न बनाती है। और श्रीमद् भागवत में समुद्र मंथन और भगवती लक्ष्मी के प्राकट्य की कथा आती है। तो श्रीमद् भागवत हमें धन संपन्न भी बनाती है, अर्थात हमारे जीवन में अलौकिक धन स्वयं नंद नंदन को विराजमान कर देती है और लौकिक धन भी हमारे जीवन में सुख समृद्धि के रूप में विराजमान हो जाता है। श्रीमद् भागवत हमें कर्म योगी बनाती है और श्रीमद् भागवत हमें भक्ति योगी बनाती है। श्रीमद् भागवत हमें आत्मदर्शन कराती, श्रीमद् भागवत हमें भगवत दर्शन कराती है, भक्तों का दर्शन कराती है, श्रीमद् भागवत भव के भय से निर्भय बनाकर भक्ति का भव्य भवन बनाती है, भक्ति भाव से संपन्न बनाती है और उस भक्ति भाव के भव्य भवन में विराजमान करवा देती है। हमारे हृदय के सिंहासन पर स्वयं नंद नंदन श्री यशोदा नंदन विराजमान हो जाते हैं। श्री स्वामिनी जी समस्त गोपी द्वार पूरा ब्रज मंडल विराजमान होके नित्य रास लीला हमारे हृदय में विराजमान कर देती है। श्रीमद् भागवत
कामना है, जो पिपासा है, उसको जगाना चाहती है। और वह कैसे जगती है कि जो हमारे बदन है, जो यशोदा जी विराजमान है, उस यशोदा जी के भाव को जगाती है। हमारे हृदय में जो गोपियों का प्रेम विराजमान है, जो सुप्त हो गया है, श्रीमद् भागवत जी कहती है कि अरे गोपी उठ तो सही, जरा देख नंद नंदन तेरे घर पे माखन चोरी करने के लिए पधारे हैं। श्रीमद् भागवत हमारी गोपी को जगाती है कि गोपी जान, कन्हैया तेरे से दूध नहीं माखन मांग रहे हैं। हमारे भाव है, जो ग्वाल भाव है, उसको श्रीमद् भागवत जगाती है और कहती है कि अरे सखा, तू कहाँ सोया हुआ है, देख कन्हैया गौचारण करने के लिए तुझे बुला रहे हैं। तो हमारे हृदय की गोपी यशोदा जी को, नंद बाबा को, ग्वाल बाल को जगाने का काम श्रीमद् भागवत करती है, प्रभु से प्रेम की लौ लगा देती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत का महात्म श्रवण करवाया जाता है, ताकि हम यह समझ सके कि हमारा स्वरूप क्या है। विष्णुता का रस, भगवदीयता का रस, प्रभु कृपा का रस हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, इसीलिए श्रीमद् भागवत का महात्म श्रवण करवाया जाता है। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय। क्योंकि हम भूल जा रहे हैं कि हम कौन हैं, हम अपने स्वरूप को भूल जा रहे हैं कि हम वैष्णव हैं। ठाकुर जी के साथ, जिनका संबंध श्री ठाकुर जी के साथ होना, ये बहुत बड़ी बात है। संसार का संबंध तो माया के साथ है, इसलिए कोई अजामिल बनता है, कोई धुंधकारी बनता है। हमारे कितने भाग्य हैं कि हमारा संबंध श्री ठाकुर जी के साथ और हम वैष्णव बने हैं। प्रभु की शरण में गया, उसने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे कृपा निधान, मैं आपकी शरण में आया हूं। प्रभु ने पूछा, क्या बात है, मेरी शरण में क्यों आए हो? कर दिया, कर्मकांडियों ने मेरा त्याग कर दिया, मुझे मनमास कह दिया कि तू तो मनमास है, इसलिए हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं। प्रभु पूछते हैं कि मनमास तू मेरी शरण में क्यों आया है? मैं भी तो आपका ही हूं, जो सभी देवताओं को बनाता है, जो पूरे जगत को बनाता है, जो अनंत ब्रह्मांड को बनाता है।
है, जो सब ग्रह नक्षत्रों को बनाता है, उसी परमात्मा ने आपने मुझे बनाया है और मैं आपका जीव हूँ, मैं आपका दास हूँ, और जिसे आपने बनाया है उसे कोई कैसे छोड़ सकता है प्रभु? अगर सब छोड़ दें तो आपको कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैं तो आपका हूँ, तो आपका बनाया हुआ यह मांस मन मांस कैसे रह सकता है? जब यह प्रार्थना उससे की तो प्रभु का हृदय भर आया। प्रभु ने कहा, अच्छा तुझे आशीर्वाद देता हूँ, आज से तू मल मास नहीं निर्मल मास है, अमल मास है। आज से तुझे कोई मल मास नहीं कहेगा, आज से तेरा नाम पुरुषोत्तम मास है, वैष्णव मास है। तो जिस प्रकार सभी जगह से हारा हुआ, थका हुआ, प्रताड़ित हुआ, त्रासा हुआ मलमास प्रभु की शरण में गया, प्रभु ने उसे अपनी शरण में लेके कृपा करके उसका मरण किया। इसी प्रकार 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जीव जब प्रभु की शरण में आता है, उसका ब्रह्म संबंध हो जाता है, उसका संबंध साक्षात रसात्मक विष्णु के साथ हो जाता है, तो उसके ऊपर भगवान का ठप्पा लग जाता है कि यह कोई साधारण नहीं, यह वैष्णव है, वैष्णवता का ठप्पा लग जाता है। तो यह मास वैष्णव मास है, तो हमारा बड़ा सौभाग्य है इस बार अधिक मास श्रावण मास में आया। तो जिनका संबंध भगवान से हो जाता है उनके जीवन में सरलता और सहजता आ जाती है, जिनका संबंध प्रभु से हो जाता है उनके अंदर फिर कोई विकार नहीं रहता, वो निर्विकार बन जाते हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्मा श्रुति कहती है, वेद कहता है। इसीलिए वैष्णव कैसे हैं, अमल है, निर्मल है, उसका उदाहरण हमारे यहाँ माता जी ने मिलता है। एक बार श्री गोकुलनाथ जी महाराज श्री गोसाई जी के चतुर्थ लाल जी श्री ठाकुर जी की सेवा में पधारे, तभी आप इनका दर्शन करके एक वैष्णव भाव विभोर हो गया, अपनी सुध बुध भूल गया और दूरता हुआ गया और श्री गोकुलनाथ और जैसे ही उसने चरण स्पर्श किए, आसपास जितने वैष्णव थे उन्होंने उसे धर दबोचा, पकड़ लिया, बुरी तरीके से पकड़ लिया, किसी ने हाथ से पकड़ा, किसी ने कंधे से पकड़ा, किसी ने कमर से पकड़ के खींचा और सबने उसे डांटना प्रारंभ किया कि अरे तूने यह क्या किया, तूने अपरस सेवा दी, सेवा में और इतना विलंब होगा, गुरुदेव को इतना श्रम पड़ेगा, तूने चरण स्पर्श कर दिए बिना आज्ञा मांगे। वह वैष्णव घबराने लगा, सब वैष्णव जन उसे बुलाना देते हैं, उसे डांट डपट करते हैं, तभी श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं, जरा घेरो, जरा रुको, सब वैष्णव कहते हैं इसने इतना श्रम दिया आपको, तो श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हैं कि यह तो मैं निर्धारित करूंगा ना कि इस वैष्णव ने अपराध किया है या नहीं किया है। उसे पास में बुलाया, कहा इधर आओ, पास में आया, पूछा तुम कौन हो, हाथ जोड़ के बड़े भाव पूर्वक दैन्यता से मस्तक झुका के प्रार्थना की, अनाज मैं वैष्णव हूं। फिर पूछा, बताओ तुम कौन हो, उसने वही कहा कि कृपानाथ मैं वैष्णव हूं।
इसने कह दिया कि मैं वैष्णव हूँ, हो सकता है इसने ब्रह्म संबंध ले लिया, इसलिए यह सोच रहा होगा कि सब लोग कहते हैं कि ब्रह्म संबंध लेने से वैष्णवता आ जाती है, मैं वैष्णव हूँ। पता करना पड़ेगा ये नया नया वैष्णव है कि श्री ठाकुर जी की सारस्वत कल्प की लीला का तीन जन्मों का अनंत जन्मों का वैष्णव है। श्री गोसाई ने गोकुलनाथ जी ने तीसरी बार पूछा कि तुम कौन हो, उसने वही जवाब दिया कि हे कृपानाथ मैं वैष्णव हूँ। जैसे ही तीसरी बार ने कहा मैं वैष्णव हूँ, श्री गोकुलनाथ जी ने कहा अप्रस नहीं छिवाई और आप शिशुनाथ जी की सेवा में पधार गए। और जब यह बात श्री गोसाई जी महाराज को मालूम पड़ी, जिसके हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान है, जिसके रोम रोम में श्री ठाकुर जी का स्वरूप झलकता है, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान है कि मैं वैष्णव हूँ, उससे कभी अप्रस नहीं छिवाती। वैष्णव तो वो होते हैं कि जो पूरे त्रिभुवन को पवित्र कर देते हैं। तो वैष्णवों का यह महात्म्य है, वैष्णवों से कभी नहीं छिवाते। तो आप कितने भाग्यशाली हैं, आप वैष्णव हैं, पुष्टिमान के वैष्णव हैं, भगवत मार्ग के भगवत धर्म के वैष्णव हैं। और यही स्वरूप समझने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे तब आपके अंदर मन में एक मचलन होगी, हाथों में हलचल होगी, पांव में धड़कन होगी, नेत्रों के सामने लीला चलने लगेगी। तब समझ जाना कि आप श्री ठाकुर जी की उस लीला के जीव हो। अगर बाल लीला का श्रवण करते करते आपको ऐसा लगने लग जाए कि मैं वही सखा हूँ जिसके साथ श्री ठाकुर जी ने माखन चोरी कर ली, तो आपको यह भाव समझने आ जाएगा कि आप श्री ठाकुर जी के सखा हो, आपका लीला का स्वरूप समझने आ जाएगा। जब कुंज की लीला, निकुंज की लीला, रास की लीला, दान की लीला, देवनाथ की लीला होगी और आपके हृदय में मचलन होने लग जाए, नेत्रों में से प्रेमाश्रु भावाश्रु निकलने लग जाए, तब समझ जाना कि आप श्री ठाकुर जी की उस लीला के जीव हो। लीला के माध्यम से श्री ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं। की जरूरत नहीं है, कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, कोई योग साधना करने की आवश्यकता नहीं है, बस श्रीमद् भागवत का श्रवण और अपने मन को मनमोहन में लगाने की जरूरत है। आवश्यकता हम वैष्णवों को ही है, क्या अपना स्वरूप अपना महत्व समझने की आवश्यकता हम वैष्णवों को ही है? नहीं तो किस किस को है? तो देखो
अंदर संदेश कौन जाके देगा? तो जितनी राम जी की सेना है उनके अंदर बड़ी हलचल होने लगी कि यह काम कौन कर सकता है। तो सबने जामवंत जी से कहा कि हे जामवंत जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र हो, ब्रह्मा के अवतार हो, आप जाके यह मंगल कार्य करो। भगवान श्री राम का मंगल संदेश श्री सीता जी जानकी जी तक पहुंचाओ। तो जामवंत जी ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इतना बड़ा समुद्र लांघना, समुद्र लांग के लंका ले जाना, यह तो मैं कर सकता हूँ, मंगल संदेश भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरा ये सामर्थ्य नहीं है कि अगर सीता जी ने मुझे मंगल संदेश दिया और भगवान श्री राम के लिए कोई प्रार्थना की तो मेरे बूढ़े शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं वापस आके वो मंगल संदेश दे सकूं। तो यह काम कौन करेगा? तभी सबने देखा कि एक कोने में एक राम भक्त बैठे हुए हैं। सबने कहा कि यह कार्य तो हनुमान जी ही कर सकते। जामवंत जी हनुमान जी के पास गए और कहा, हनुमान यह कार्य तुम्हें करना है। कि हनुमान जी ने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ? कहा, अपने स्वरूप को समझो, तुम पवन पुत्र हो, भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के भक्त हो, उनके चरण के सेवक हो। जब यह महात्म्य उन्हें बताया तो हनुमान जी की जितनी शक्तियां थी वो जागृत हो गई, अपने पूरे तेज स्वरूप में आ गए। यह अनुभूति हो गई कि हाँ, मैं तो श्री राम का भक्त हूँ, राम का दास हूँ। ऐसा कौन सा काम है जो मैं उनकी भक्ति के प्रताप से, उनकी भक्ति की शक्ति से नहीं कर सकता? रामचंद्र प्रभु के पास गए और कहने लगे, प्रभो एक छलांग लगाऊंगा तो लंका में पहुंचूंगा और दूसरी छलांग लगाऊंगा तो यहाँ आपके श्री चरणों में आ जाऊंगा। तो महात्म ज्ञान में इतनी शक्ति है, जितने हीलिंग के कोर्स चलते हैं, जितने मोटिवेशनल कोर्स चलते हैं, जितने अध्यात्म विद्या के स्पिरिचुअल कोर्सेस चलते हैं, जो लाखों करोड़ों रुपया फीस लेते हैं, बड़े बड़े सेंटर खुले हुए हैं, बड़े बड़े आश्रम खुले हुए हैं, ये क्या करते हैं? यही तो आपको सिखाते हैं कि अपनी को केंद्रित करना सीखो, अपने स्वरूप को समझना सीखो। और वही श्रीमद् भागवत बड़े भाव से, बड़े प्रेम से आपको समझाती है कि जिस प्रकार से एक माता अपने पुत्र को समझाती है कि बेटा चिंता मत कर, तू तो बड़ा बुद्धिमान है, तू तो बड़ा शक्तिशाली है, तू ऐसा मत सोच कि तू दौड़ के पीछे रह जाएगा, निश्चित तू दौड़ में सबसे आगे आएगा, तू पढ़ाई कर, निश्चित तुझे सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को प्रोत्साहन देती है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत भगवान भी जो है यह लीला अपने वैष्णवों को कहती है कि अपने महात्मा को समझो, निश्चित तुम्हें श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवत का महत्व श्रवण करना है? तो कहा नहीं, तो महात्म सुनने की आवश्यकता किसको है? तो महात्म की आवश्यकता देवताओं को भी होती है, महात्म की आवश्यकता ऋषि मुनियों को भी होती है। महात्म श्रवण करने की और समझने की आवश्यकता मनुष्य को भी होती है, और तो और क्या कहें, महात्म्य समझने की आवश्यकता तो स्वयं भगवान को भी होती है। अब वो कैसे होती है? कि जब भगवान को बड़ा अहंकार आ जाता है और हम वैष्णव प्रभु से कहते
हैं प्रभु, आप हमारे घर पर पधारो। हे परमात्मा, हे जगदीश्वर, हे परमात्मा, आप अपने वैष्णवों के भक्तों की निजात्मा बनकर हमारे घर पर विराजमान हो जाओ। तो भगवान कहते नहीं, मैं तो अखिल ब्रह्मांड का नायक हूँ, मैं तो जगदीश्वर हूँ, मैं तो जगन्नाथ हूँ, मैं तो जगत का स्वामी हूँ। तब भगवान को जब अहंकार आ जाता है कि पूरे त्रिलोकी को मैं चलाता हूँ, तब श्री स्वामिनी जी और गोपी जन लेके आती आरती लेके आती है, कांच लेके आती है, बधाती है और अपने हृदय से उस दर्पण को लगाकर श्री ठाकुर जी को दर्पण दिखाती है और कहती है, हे श्याम सुंदर, आप इस जगत के पालक नहीं हो, आप जगन्नाथ नहीं हो, आप पूरे जगत के स्वामी नहीं, आप तो हमारे हृदय के स्वामी हो, आप तो गोपियों के स्वामी हो, आप तो गोकुल के स्वामी हो। तो भगवान कहते हैं नहीं, मेरा स्वरूप तो अनंत है। तो श्री राधा जी कहती हैं स्वामिनी जी कि अगर अनंत होता तो हे श्याम सुंदर इस दर्पण में कैसे समा जाते। वो जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाती है तो भगवान का भी दर्प दूर हो जाता है, अहंकार दूर हो जाता है, भगवान को भी ये ज्ञान हो जाता है कि मैं गोपी जन बंदर हूं, मैं भी गोकुल का ग्वाला हूं। वह भगवान जिसने त्रिलोकी को नाप दिया था वह छोटे से दर्पण में आ जाता है। और गोपियां क्या कहती है, तुम नंद महल के यशोमती सुनाती है तब श्री ठाकुर जी का भी अहंकार दूर हो जाता है। दर्पण इसीलिए दिखाती है ताकि प्रभु का भी दर्प दूर हो जाता है। तो यह सामर्थ्य कब प्राप्त होता है, यह सामर्थ्य हम वैष्णवों को तब प्राप्त होता है कि जब हम संकल्पित हो जाते हैं। हम संकल्प ले लेते हैं कि हमें अपने स्वरूप का ज्ञान करना है, प्रभु की लीला का ज्ञान करना है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कैसे श्रवण करना इसका रहस्य समझाते हैं। यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्याखिलाधारे इति संकल्पवर्णय। नारद जी को ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, श्रीमद् भागवत अगर श्रवण करना है तो संकल्प
लेके श्रवण कर। दृढ़ निश्चय बन जाए, हम कमर कस ले, हम पूर्ण भाव से अपने आत्म तत्व को जागृत करके अपनी ज्ञानेंद्रिय को, अपनी कर्मेंद्रिय को और अपने मन को एकाग्र करके ये भावना कर ले कि हमें भागवत के द्वारा अपने जीवन का उद्धार करना है, हमें श्री भागवत के द्वारा श्री ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है, हमें भागवत के द्वारा श्री ठाकुर जी के साथ रास लीला रमण करना है। यह संकल्प का स्वरूप है। तो जब हम संकल्प लेते हैं तो क्या होता है, हमारे जन्म जन्मांतर के विकल्प दूर हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप ताप दूर हो जाते हैं। महाप्रभु श्री वल्लभ बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं, नान्य तू भगवान के सहे सत्य संकल्पवान है, वो सदा जीव का कल्याण करते हैं। इसलिए सबसे पहले मन से संकल्प लो, तन्मय मनः सत्य संकल्प मस्तु, तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु। शिव का कल्याणकारी संकल्प हम ले। संकल्प कैसे किया जाता है, हाथ में, हाथ में सबसे पहले जल लिया जाता है। तो हमारे हाथ में समस्त तीर्थ है, समस्त धाम है, तो जब हम हाथ में जल लेते हैं तो वह जल जो है तीर्थ स्वरूप बन जाता है। तो जो भागवत श्रवण करते हैं, जो प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, यमुना जी के कृपा जल से भर जाता है। तो वह जल क्या है, यमुना जी का स्वरूप है। जल के बाद संकल्प में कंकु लिया जाता है, वह कंकु श्री राधा जी का स्वरूप है, क्योंकि कंकु का रंग लाल होता है, लाल रंग प्रेम और अनुराग का रंग होता है। तो श्री राधा जी की कृपा जब तक नहीं हो, ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते। उसके बाद अक्षत पीले चावल लिए जाते हैं। तो जो कभी क्षत नहीं हो वह अक्षत, तो ऐसी कृपा किसकी होती है, गुरु की होती है, श्री महाप्रभु जी की कृपा है। उसके बाद पुष्प रखा जाता है, पुष्प का तात्पर्य सुमन, अर्थात हमारा मन पुष्प के समान सुंदर होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए, जिसकी सुगंध पूरे वातावरण को सुगंधित करे। उसके बाद सुपारी रखी जाती है और दक्षिणा रखी जाती है। दक्षिणा का अर्थ होता है कि हमारे कर्म जिसके द्वारा हमने फल अर्जित किया है, हमारी संपूर्ण सकारात्मक और नकारात्मक सत्ता उसके द्वारा संकल्प लिया जाता है। और ऐसा संकल्प लेके जब हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं तो श्रीमद् भागवत का एक कमाल होता है, और वह कमाल यह होता है कि कथा प्रसंग के माध्यम से, लीला के माध्यम से हमें श्री ठाकुर जी की लीला का साक्षात दर्शन होने लगता है, हमारी मनोरथ की सिद्धि होने लगती है और हम भागवत मार्ग पे आते हैं। के मार्ग में हमें श्री ठाकुर जी किसी भी छोर पर, किसी भी डगर पर मिल जाते हैं। डगर चल गोवर्धन की बात, खेरत भी
बीच मिलेंगे मोहन जहां गोधन के घाट और जब लीला के माध्यम से आप प्रभु का दर्शन करोगे तब आपको उस श्याम सुंदर का उसकी सोहिनी सूरत मोहिनी मूरत का दर्शन होगा और प्रभु का ऐसा अलौकिक दर्शन होगा कि श्री ठाकुर जी गौचारण कर रहे हैं और चटक मटक की चाल चल रहे हैं। उस चटक मटक की चाल के ऊपर उस लड़के के ऊपर प्रभु की उस घुमराली लड़के के ऊपर हमारा मन अटक जाएगा क्योंकि प्रभु यही ऐसे चटक मटक कि उनकी चटक मटक लीला के ऊपर भक्तों का मन लड्डू भड्डू हो जाता है। इसलिए बड़ा सुंदर पद आता है मैं तो मानी जाऊं मैं तो मानी जाऊं सुंदर श्याम तारा लत कान सुंदर श्याम शर्मा
रूप धरि है वामन रूप धरि भगवान।
से जोड़ दें, भाव का संबंध जोड़ दें, प्रेम का संबंध जोड़ दें। श्रीमद् भागवत में हर संबंध की कथा आती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत चाहती है कि हम प्रभु के साथ कोई भी भाव से जुड़े, इसलिए हर संबंध की कथा। अब हमारे ऊपर है कि हमें प्रभु के साथ कैसे संबंध जोड़ना है और कौन सा संबंध जोड़ना है। आपको सोचना है कि आपको प्रभु के साथ कौन सा संबंध जोड़ना है। श्रीमद् भागवत में नंद बाबा की कथा आती है। अगर आपको नंद बाबा का चरित्र सुंदर लगे तो आप अपने आप को नंद बाबा मान लो तो वो जगत का पालक बन जाएगा, आप उसके पिता बन जाओगे, आप उस परम पिता के पिता बन जाओगे, नंद राय जी बन जाओगे। अगर आपको श्रीमद् भागवत जी के द्वारा श्री यशोदा जी का भाव जागृत हो जाता है तो आप उस अजन्मा को जन्म दे दोगे, आप अजन्मा भगवान की माता श्री यशोदा जी बन जाओगे, भगवान आपका पुत्र बन जाएगा। तो यशोदा और कन्हैया का संबंध आप जोड़ लो। अगर आपको गोपियों का चरित्र श्रवण करके आनंद आता है तो आप हृदय में गोपी भाव धारण कर लो, फिर देखो कि कैसे वह श्याम सुंदर आपके आगे पीछे दाएं बाएं गोल गोल घूमता है। फिर जिस प्रकार गोपियों ने नचाया उस प्रकार आप भी ताई अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचायो। वह भगवान जो सबको नचाता है, जिसकी माया सबको नचाती है, देवताओं को नचाती है, ऋषि मुनियों को नचाती है, आप उसको दूध दही माखन के लिए नचाओगी वो दौड़ा दौड़ा आपके पास चला आएगा। अगर आपको श्रीमद् भागवत में सुदामा जी का चरित्र पसंद आता है तो आप सुदामा जी का भाव धारण कर लो, भगवान आपके कच्चे चावल भी आरोप कर आपको अपार ऐश्वर्य भाव प्रदान कर देंगे, अपार धन संपदा प्रदान कर देंगे। और अगर आपको श्री राधा जी का चरित्र पसंद आता है, श्री स्वामिनी जी की लीला पसंद आती है तो आप श्री स्वामिनी जी का भाव धारण कर लो। महाप्रभु श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि जो भी श्री ठाकुर जी से प्रेम करता है, जो भी श्री ठाकुर जी की सेवा करता है, उसके अंदर श्री स्वामिनी जी की ही कृपा शक्ति होती है। राधा की धारा के बिना, उस प्रेम की धारा के बिना भक्ति अधूरी है। तो जब हमारे हृदय में श्री राधा जी नृत्य करेंगी तभी तो श्री ठाकुर जी हमें प्राप्त होंगे। इसलिए तो श्री गोसाई जी ने आज्ञा की है, कृपयति यदि राधा बालिका शेष बाधा। तो श्रीमद् यही हमें सिखाती है कि हम प्रभु के साथ संबंध जोड़ रहे हैं, और जब हम प्रभु से संबंध जोड़ लेंगे तब क्या होगा, हमारी दृष्टि में फर्क आ जाएगा, हमारे जीवन में फर्क आ जाएगा। इसे ही कहा जाता है तनु नमत्व मेव नेतावता, हमें नए तन की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात एक दिव्य अलौकिक भाव की प्राप्ति हो जाएगी। तो श्रीमद् भागवत हमें दिव्य भाव प्रदान करना चाहती है, और वो कहते कि हमारा शरीर तो यही रहेगा, लेकिन श्रीमद् भागवत के द्वारा जब हम संस्कार संपन्न हो जाएंगे तब हमारे जीवन में एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा का संचार होने लगेगा, हमारी दृष्टि नए
दे जाते दृष्टि बंद दी जाती, क्योंकि दृष्टि में ही सृष्टि होती है, दृष्टि से ही कृपा की दृष्टि होती है, दृष्टि के द्वारा ही सकारात्मकता और नकारात्मकता की सृष्टि होती है। एक बार की बात है कि हम आगर में श्रीमद् भागवत जी करने के लिए पधार रहे थे और वहां हमने देखा, हम रुके एक जगह जलपान करने के लिए, सड़क के किनारे रुके तो हमने देखा पर्वत है वहां पर और पर्वत के ऊपर गाय खड़ी। हमने पूछा और दो चार लोगों से पूछा कि भाई क्या है ये, वहां क्या दिख रहा है, तो किसी ने कहा कि वो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर गाय खड़ी है। हमारे मन में जो भाव आया वही भाव हमारे साथ वाले वैष्णव के मन में आया। हमने पूछा कि वैष्णवों तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमें श्री गिरिराज जी के दर्शन हो रहे, ऐसा लग रहा है श्रीनाथ जी बाबा विराज रहे हैं और साक्षात वहां पर दो माता श्रीनाथ जी को दुग्ध पान करा रही है, दुग्ध की धारा स्रवित कर रही है। तो यह दृष्टि बदल जाती है, देखने का तरीका अंदाज बदल जाता है, अलौकिकता दिव्यता आ जाती है। कान वही है लेकिन उन कान को भगवान की लीला श्री ठाकुर गांठे खोलते रहोगे। मन में तो गांठे पड़ रही है और बांस की गांठ खोलना है तो सबसे पहले भागवत जी सुन के मन की गांठे खोलो, हृदय की गांठें खोलो, क्योंकि चाहे गांठ शरीर में हो या मन में हो या बुद्धि में हो, वो नुकसान ही देती है, वो प्रेम को समाप्त ही करती है। मन में तो गांठें पड़ रही है क्योंकि अगर शरीर में गांठ हो जाए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर कहता है कि भाई अब तो इसकी गांठ निकालनी पड़ेगी शरीर की, तभी जाके ये स्वस्थ हो सकेंगे। शरीर में हो तो या मन में हो या की गांठ तड़काने से कुछ नहीं होगा, ये कलयुग है, यहाँ पे अगर तड़काना है तो मन की गांठ को तड़काओ, विचारों की गांठ को तड़काओ, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर कहता है तब जाके प्रेम का बंधन बंधेगा, भाव का बंधन बंधेगा। इसलिए कहा है ना कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो जट का, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो जट का, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, पराधीन हो जाना गांठ है, माया की उलझन में अपने विचारों में उलझ जाना गांठ है, सत्य को भूल जाना गांठ है, अपने स्वरूप को भूल जाना गांठ है, बार बार संशय करना धर्म के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे धर्म शास्त्रों के ऊपर, यह भी गांठ है, प्रभु को न जान पाना यह भी एक गांठ है, और मैं प्रभु का दास हूँ यह न समझ के, यह समझना कि हाँ ये तो दुनिया मेरी है, हम अपने इशारे में सबको नचाएंगे, ये भी एक गांठ है। हमारे धर्म शास्त्र तो श्रीमद् भागवत यही गांठ खोलती है और हृदय को शुद्ध करती है। यह श्रीमद् भागवत का महात्म्य है कि वो हृदय को शुद्ध करती है। इसलिए कहा है यह समझना यहाँ ये तस्माद् परम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते,
अगर हृदय को शुद्ध करना है तो श्रीमद् भागवत से बड़ा कोई साधन है ही नहीं। बोलो भागवत भगवान की जय। तो भागवत जी हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए पधारी हैं, और जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तब हमारी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, इन इंद्रियों की वृत्तियों की शुद्धि होगी, वह शुद्ध होंगी। और जब हमारी इंद्रियों की वृत्तियां शुद्ध होंगी तब हमारा व्यवहार शुद्ध होगा, और जब हमारा व्यवहार शुद्ध होगा तो हमारी व्यवहार की शुद्धता से हमारे संसार की शुद्धि हो जाएगी, उसमें सुख और आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो श्रीमद् भागवत प्रेम का संदेश है, श्रीमद् भागवत आनंद का संदेश है। तो श्रीमद् भागवत क्या है? साक्षात श्री ठाकुर जी का स्वरूप है। इसलिए प्राचीन समय में भागवत जी को भोग आता था तो टेरे में भोग आता था, पर्दे में भोग आता था। तो भागवत और श्री ठाकुर जी के स्वरूप को समझते हैं कि भागवत के दिन कितने हैं? 7। तो देखो भागवत के दिन भी 7, ऊपर के लोक भी 7 और नीचे के लोक भी। तो जो ऊपर के 7 लोक में 7 दे और नीचे के 7 लोक में भी 7 दे, और जो 14 लोक को पवित्र कर दे, वो श्रीमद् भागवत है। श्री ठाकुर जी की ध्वजाएं कितनी चढ़ती हैं? 7। अर्थात जो 7 जन्मों तक अपने भक्तों की ध्वजा पताका फहराए, भक्तों के जीवन में जय विजय करवा दे, वह श्रीमद् भागवत है। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कितनी? 7। अर्थात जो पूरी ब्रज लीला को हमारे हृदय में स्थापित कर दे, वह श्रीमद् भागवत। और फेरे कितने होते हैं विवाह में? 7। अर्थात जो भगवान के साथ इन 7 दिनों में हमारा संबंध जोड़ दे, 7 दिनों में जो प्रभु का साथ हमें प्राप्त करा दे, वह श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के अक्षर कितने? 4। भा, ग, व और त। तो श्रीमद् भागवत और श्री ठाकुर जी में समानता बतलाते हैं। बड़ी सुंदर समानता है वैष्णवों के। श्री ठाकुर जी के हस्त कितने? 4। और उन चारों हाथों में प्रभु ने अपने भक्तों के लिए आयुध कितने धारण किए हैं? 4। कौन कौन से? शंख, चक्र, गदा और पद्म। सूरदास जी कहते हैं ना कि पद्म धर्यो जन ताप निवारण। जो हमारे हृदय में ताप है, जो हमारे हृदय में क्लेश है, जो हमारे हृदय में अज्ञान है, जो आनंद का प्रेम का सरोवर सूख रहा है, जिसके कारण ताप संताप हो रहा है, उस ताप संताप को दूर करने के लिए, उस ताप संताप से भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रभु ने क्या धारण किया है? पद्म धारण किया है। अहंकार का असुर जब भक्त के हृदय में बैठ जाता है, जब भक्त के हृदय में माया की छाया आ जाती है, तो उसके हृदय में से माया की छाया हटाने के लिए, आसुरी भाव हटाने के लिए प्रभु ने गदा धारण कर रखी है। गदा धरी असुरन संहारन। तो वह असुर क्या है?
अहंकार काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष जो है यही तो असुर है। पूरे त्रिभुवन में भक्त की रक्षा के लिए तो प्रभु ने चक्र धारण किया है, इसलिए तो अपन कहते हैं हे सुदर्शन धारी तेरा भरोसा भारी। और शंख प्रभु ने क्यों धारण कर रखा है, ताकि इस संसार में जब मनुष्य रहता है तो अशांत हो जाता है, उसके मन का अशांत भाव मिटाने के लिए, अशांति को दूर करने के लिए, प्रेम रस का संचार करने के लिए प्रभु ने शंख धारण किया हुआ है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और आश्रम कितने हैं, चार, कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, और अर्थात जो चारों आश्रमों का कल्याण करे वो श्रीमद् भागवत, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उद्धार करे वह श्रीमद् भागवत। और भागवत क्या है, तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि जो चार प्रकार के जीवों का उद्धार करे वह मेरी कृपा है, वह मेरी शक्ति है। तो वो चार प्रकार के जीव कौन से हैं, कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन। हे अर्जुन, हे पार्थ, चार प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं, कौन? आर्त व्यक्ति, जो आर्त होता है बड़ा, वो पीड़ित होता है, बीमार होता है, वो प्रभु का भजन करता है कि हे प्रभु आपका नाम लेने से मेरी पीड़ा दूर हो जाएगी। और दूसरा कौन? जिज्ञासु व्यक्ति, जो जानना चाहता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, कि ये भगवान ने संसार कैसे बनाया है, ये यूनिवर्स कैसे बनाया है, ये विश्व कैसे रचा है। अर्थार्थी, जो पैसा कमाना चाहता है, वो भगवान का भजन करता है, रात दिन अनुष्ठान करवाता है। और ज्ञानी व्यक्ति, जो महात्म्य से भगवान का भजन करता है। तो श्रीमद् भागवत क्या है, साक्षात श्री ठाकुर जी का स्वरूप है। तो भागवत का महात्म्य समझाया कि भाति सर्वेषु शास्त्रेषु गतिश्च भव सागरात् वसन्ति सर्वतीर्थानि तरन्ति पितरो जनाः। भागवत, तो भा का अर्थ क्या, जिसकी आभा, जिसकी ज्योति, जिसका प्रकाश सभी शास्त्रों में विराजमान है। इसलिए कहा गया है कि अगर मन में कोई शंका हो तो सबसे पहले वेद देखो, वेद नहीं समझ में आए तो उपनिषद देखो, उपनिषद समझ नहीं आए तो अन्य पुराण देखो, महाभारत देखो। और जब मन की शंका का समाधान कहीं से नहीं निकले तो श्रीमद् भागवत लीला शास्त्र में गोते लगाओ, इतने ऐसे ऐसे रत्न निकलेंगे, दिव्य भाव प्रकट होंगे कि सब शंकाओं का समाधान हो जाएगा। भाति सर्वेषु शास्त्रेषु, अर्थात एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। और क्या कहा, गतिश्च भवसागरात, केवल भाग्य अच्छा होने से काम होता है? अरे बताओ ना, नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि अगर भाग्य बहुत अच्छा है तो क्या होगा, हमें बहुत बड़ा घर मिल जाएगा,
अगर घर बहुत बड़ा मिल भी गया, बहुत बड़ी गाड़ी मिल भी गई, तो गाड़ी चलेगी कैसे? पेट्रोल से। अर्थात भाग्य होने से मर्सिडीज मिल सकती है, ऑडी मिल सकती है, और कौन कौन सी होती है, स्कोडा मिल सकती है, लेकिन बिना पेट्रोल के वो कार भी बेकार है। जब तक सौभाग्य नहीं हो तो गतिश्च भवसागरात, तो वो क्या है जो भवसागर से गति दे, जो हमें ब्रज की लीला में गमन करा दे, वो कौन है? श्री यमुना जी हैं। बोलो श्री यमुने महारानी की जय। भाग्य सौभाग्य श्री यमुने जुदेही। तो जब तक श्री यमुना जी की कृपा नहीं हो, तब तक सौभाग्य का उदय नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमद् भागवत में श्री यमुना जी की कृपा का भी वर्णन है। वसंती सर्व तीर्थानी के भाति सर्वेषु शास्त्रेषु गतिश्च भव सागरात्। वसंती सर्व तीर्थानी, तो व के दो अर्थ है। व का पहला अर्थ क्या है कि श्रीमद् भागवत में सब तीर्थ विराजमान हैं, क्योंकि जब भगवान ने वत्सासुर का वध किया तब ग्वाल बालों ने कहा कि कन्हैया तुझे समस्त तीर्थों का स्नान करना पड़ेगा, तो भगवान ने सभी तीर्थों को बुलाकर ब्रज में स्थापित कर दिया। ऐसी ब्रज की लीला श्रीमद् भागवत में विराजमान है। इसलिए जब भागवत का हम श्रवण करते हैं तो सभी तीर्थ पधार करके हमें तीर्थ स्नान करवाते हैं, पुण्य स्नान करवाते हैं। और व का अर्थात क्या, व का दूसरा अर्थ होता है कि श्री वल्लभाधीश। नाश्रितो वल्लभाधीशो नच द्रष्टा सुबोधिनी ना राधे राधिका नाथो वृथा तज्जन्म भूतले। तो जिसने श्री वल्लभ की कृपा प्राप्त नहीं की, जिसने श्री सुबोधिनी जी का श्रवण नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। वह अर्थात श्री वल्लभ। इसीलिए तो श्री वल्लभ ने जो श्री सुबोधिनी जी की टीका लिखी है भागवत की, उसको सभी विद्वानों ने मान्य किया है और कहा, जय घोष के साथ कहा कि अगर श्री भागवत जी को समझना है तो श्री सुबोधिनी जी का रसपान अवश्य करना पड़ेगा। और त का अर्थात तरंति पितरो जनाः। श्रीमद् भागवत से समस्त पितर जो हैं वो तर जाते हैं, लेकिन वैष्णव तरना नहीं चाहता। वैष्णव कभी तरना नहीं चाहता, वो तो तार देता है। तरने की कामना कौन करते हैं? जो पापी होते हैं कि हे प्रभु हमें तार दो, हमें पार लगा दो। और वैष्णव तो वो होता है जो भगवान की भी नाव को पार लगा देता है। इसीलिए तो हम श्री ठाकुर जी का नाव का मनोरथ करते हैं कि जो प्रभु सबकी नाव पार लगाते हैं, उन प्रभु की नाव को हम पार लगाते हैं। प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु अगर आपको पार उतरना है तो आपको हमारी नाव में विराजना पड़ेगा। तो हमारे हृदय रूपी नौका पे जब प्रभु विराजते हैं और उसमें श्री यमुना जी रूपी भाव की मनोरथों की तरंगे आती हैं, और अपने भक्ति से जब वैष्णव पतवार चलाता है तो श्री ठाकुर जी को भी पार लगा देता है। तो प्रभु कहते हैं कि तूने मुझे पार लगाया, क्या तुझे पार नहीं लगना? तो वैष्णव कहता है कि नहीं प्रभु मुझे पार नहीं लगना। तो प्रभु कहते हैं तुझे पार क्यों नहीं लगना?
तो कहते हैं वैष्णव कि चलो प्रभु, अगर आपको पार लगाने का मन ही है हमें तो पार लगा दो। तो प्रभु कहते हैं तुझे क्या चाहिए, गोलोक जाना है? वैष्णव कहता है नहीं। वैकुंठ जाना है? बोले नहीं। स्वर्ग जाना है? तो नहीं। तो बोले कहाँ जाना है? तो वैष्णव क्या कहता है, जहां विराजे जहां विराजे राधे रानी अलबेली सरकार सांवरिया ले चल परली पार नहीं है और
चले परिधि पर भागवत भगवान श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री राधे रानी सरकार की जय। जब यह भावना उत्पन्न हो जाती है तब जीवन में मंगलाचरण हो जाता है। जीवन का प्रत्येक आचरण मंगल हो जाता है। जीवन का प्रत्येक आचरण सद आचरण हो जाता है, मंगलाचरण हो जाता है। और श्रीमद् भागवत यही सदाचार सिखलाती है। श्रीमद् भागवत सद शिक्षा, सद व्यवहार और सदाचार का शिक्षण देती है। जीवन में मंगलाचरण करती है। तो मंगलाचरण का अर्थ क्या है कि जब आप मायापति को छोड़ के माया के पीछे लगे रहोगे तब आपका आचरण मंगल आचरण नहीं होगा। आपका आचरण लौकिक आचरण, सांसारिक आचरण होगा। जब माया का प्रभाव हो जाएगा तब वह दुराचरण हो जाएगा, अनाचरण हो जाएगा। तो मंगलाचरण कब होगा? मंगलाचरण तब होगा कि जब हम अपने जीवन में भगवान का नाम, श्री ठाकुर जी का स्वरूप, श्री ठाकुर जी की लीला बसा लेंगे, अपने नेत्रों में श्याम सुंदर को बसा लेंगे, हमारी वाणी में उस मुरली मनोहर को बसा लेंगे, फिर इस संसार के आगे कुछ भी चलता रहे, हमारी आंखों के आगे कुछ भी चलता रहे, हमें माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आंखों में तो उस मधुराति मधुर श्री कृष्ण की मधुर लीला विराजमान है। तो नित्य उसकी मधुशाला हमारे जीवन में प्रेम का संचार करती रहेगी कि आंखों के आगे हो कुछ भी, आंखों में है मधुशाला। तो वो मधुराधिपते रखिलम मधुरम की जो मधुशाला है, वो कृपा रस है, वो मधुरामृत जो है, वो हमारे जीवन में जब विराजमान होगा तब प्रभु कहेंगे कि चिंता मत कर, तेरा प्रत्येक आचरण मंगलाचरण होगा। क्यों? क्योंकि हम कोई भी कार्य करेंगे तो प्रभु का नाम लेके करेंगे। प्रभु का नाम मंगल है, प्रभु की लीला मंगल है, प्रभु का धाम मंगल है। तो ऐसे मंगल मूर्ति मंगलम मंगलम ब्रजभूमि मंगलम, ऐसे मंगल रूप निधान सावरो मंगल रूप निधान, ऐसे मंगल स्वरूप श्री ठाकुर जी का नाम लेके, उनका स्मरण करके जब हम कोई काम करेंगे तब हमारे हाथों में श्री ठाकुर जी का हाथ होगा,
हमारे कदम के साथ श्री ठाकुर जी का कदम होगा, हमारे हर चरण में प्रभु अपना पदार्पण करके हमारे हर चरण को दिव्य आचरण मंगला चरण बना देंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवत में तीन मंगलाचरण का वर्णन आता है। तो आइए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में मंगलाचरण करते हैं। महाप्रभु श्री वल्लभ बड़ी सुंदर आज्ञा करते हैं कि यह मंगलाचरण जो है वो सबको करना है, जो कथा कह रहे हैं उनको भी करना है, जो कथा सुन रहे हैं उनको भी करना है, क्योंकि इस मंगलाचरण के द्वारा श्री ठाकुर जी का पदार्पण हमारे जीवन में हो जाता है। तो आइए अपन मंगलाचरण करते हैं, हम बोलेंगे और आप साथ में पीछे उसका अनुसरण करिएगा। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयम् नमः, श्रीकृष्णाय वयम् श्रीकृष्णाय वयम् नमः, श्रीकृष्णाय वयम् नमः, श्रीकृष्णाय वयम् नमः, श्रीकृष्णाय वयम् नमः। श्री वल्लभ महाप्रभु बड़ी सुंदर आज्ञा करते, वयम् नमः अर्थात हम सब मिलके नमन करें। नमन क्यों? क्योंकि जो नमन करता है, जो वंदन करता है, उसी का जीवन में अभिनंदन होता है। इसलिए महाप्रभु श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि नमन करना सीखो, झुकना सीखो, क्योंकि जो सबके सामने झुक के चलता है पूरा संसार उसके सामने झुक के चलता है, और जो ऐसे बाह चढ़ा के अकड़ के घूमता है संसार उसके सामने अकड़ के घूमता है कि तुम अगर बहादुर तो हम तुमसे ज्यादा बहादुर हैं, और जो नमन करके चलता है सर झुका के चलता है लोग उसके सामने ज्यादा झुक के चलते हैं। इसलिए महाप्रभु श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि झुकना सीखो। इसलिए ग्रंथ में भी क्या कहा है, नमामि यमुनामहम। अगर सकल सिद्धि चाहिए तो श्री यमुना जी के आगे झुको। नत्वा हरिम सदानंदम, क्योंकि वंदन चंदन से भी ज्यादा शीतल होता है। जो वंदन करता है उसके जीवन में से क्रंदन दूर हो जाता है, क्राइंग दूर हो जाता है। समाज परिवार उसका अभिनंदन करते हैं, उसका फेलिसिटेशन करते हैं। तो हमें किसके आगे झुकना है, किसको नमन करना है? श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्ण को वंदन करना है। तो वो कृष्ण कैसे हैं? श्री के साथ, अर्थात अपनी स्वामिनी जी के साथ, अनंत लक्ष्मियों के साथ जो श्री कृष्ण विराजमान हैं, वो हमारे जीवन में विराजमान हो जाए तो हमारे घर में भी अष्ट सिद्धि नव निधि विराजमान हो जाएंगी। जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा, परमानंद हो जाएगा। और जो वंदन नहीं करता है वो तो वमन करता है अहंकार का। तो अगर जीवन में स्पंदन प्राप्त करना है तो वंदन करना सीखो। तो इस वंदन में क्या स्वरूप समझाया है?
भगवान का स्वरूप समझाया है इस मंगलाचरण में। कई बार विवादित सुर भी अच्छा रस पैदा कर देता है। भगवान का स्वरूप समझाया, दूसरा इस मंगलाचरण में भगवान का कार्य समझाया, और तीसरा इस मंगलाचरण में भगवान का स्वभाव समझाया है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान सदघन, चिदघन और आनंद घन है, परमानंद स्वरूप है, और इसी स्वरूप के अनुकूल होकर के भगवान सृष्टि कर्म को संपन्न करते हैं, सृष्टि बनाते हैं। सद्गुण से भगवान इस जगत को उत्पन्न करते हैं। यह जगत जो है, ये संपूर्ण जगत भगवान का सद्गुण है, यह भगवान का स्वरूप है। अगर इसको बड़ी सरलता से समझना हो तो ऐसा समझो कि इन 7 दिनों में हमारा संबंध, हमारा विवाह इस आत्मा का विवाह परमात्मा के साथ होने जा रहा है। तो जिस प्रकार लड़का और लड़की एक दूसरे को समझते हैं कि यह दिखने में कैसा दिखता है, लड़का कैसा दिखता है, काम काज क्या करता है और इसका स्वभाव कैसा है, जब कोई इसलिए स्वर्ग का अमृत केवल श्रवण मधुर है, भागवत का अमृत तो श्रवण मधुर भी है और श्रवण मंगल भी है। इसलिए परीक्षित ने कहा कि हे देवो, मैं आपको भागवत का अमृत नहीं दे सकता, तो श्रीमद् भागवत भगवान का ऐसा लीला अमृत है, ऐसा सुधामृत है, ऐसा चरणामृत है कि जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि उनके अंदर देव भाव नहीं है। देवता किन्हें कहा जाता है, देव किन्हें कहा जाता है? जिनके अंदर दिव्यता हो, देव भाव हो, और यह अमृत हमें प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम वैष्णव के अंदर दिव्य भाव है, दैवी भाव है, इसलिए तो हमें दैवी जीव कहा जाता है, जिनके अंदर प्रभु की कृपा की दिव्यता विराजमान है। तो वैष्णवों ने इस भागवत अमृत का रसपान किया, देवताओं को यह अमृत प्राप्त नहीं हुआ। तो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि श्रीमद् भागवत अमृत का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कैसे प्राप्त हुआ। तो सूत जी महाराज समझाते हैं कि एक बार नारद जी पृथ्वी के ऊपर पधारे, और जब पृथ्वी पर पधारे तो यह सोच के आए कि पृथ्वी जो है, यहां भगवान ने बड़े अवतार धारण किए हैं, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि यहां प्रकट हुए हैं, तो पृथ्वी पे लोग बड़ा पुण्य करते होंगे, धर्म कर्म करते होंगे, तो क्यों ना पृथ्वी पर जाकर दर्शन किया जाए। तो नारद जी पृथ्वी पर पधारे, और जब पृथ्वी पर पधारे तो एक एक तीर्थ के ऊपर गए, और वहां जाकर बड़े चिंतातुर हो गए, घबरा गए, आकुल व्याकुल हो गए, बड़े दुखी हो गए। और जब मनुष्य दुखी होता है ना, चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसको सूझ नहीं पड़ती, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। ऐसी ही नारद जी की स्थिति हो गई, कभी इस तीर्थ पे जाए, कभी उस तीर्थ पे जाए, कभी इस धाम जाए, कभी उस धाम जाए। तभी उनकी मुलाकात सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों से हुई। उन्होंने नारद जी को देख के पूछा कि कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव।
हे नारद जी महाराज, हे देवर्षि, क्या बात है आपका मुखारविंद इतना कुमलाया हुआ क्यों है? आप इतने दीन क्यों जान पड़ रहे हैं? मनुष्य दीन कब होता है? जब वो हीन हो जाता है। इतने आकुल व्याकुल क्यों दिख रहे हैं? इतने चिंतातुर क्यों दिख रहे हैं? आपका दर्शन करके तो लोगों की चिंता मिट जाती है। जिसके मुख में भगवान का नाम हो, रात दिन जो तार छेड़ के भगवान का नाम लेके पूरे संसार के मन के तार को छेड़ देता है, वो स्वयं दुखी। तो नारद जी कहते हैं कि क्या कहूं ऋषिवर, मैंने सोचा कि इस पृथ्वी पे बड़े बड़े पुण्य कार्य होते होंगे, तो यहां जब मैं आया तो मैंने देखा कि मनुष्य पाप कार्यों में लिप्त है। अनाचार दुराचार में मनुष्य लिप्त हो गया है, सत्संग कोई करता नहीं है, लोगों की मनोवृत्ति स्वार्थी हो गई है, परमार्थ कोई करना नहीं चाहता, दान दक्षिणा कोई देना नहीं चाहता। एक छोटी सी थैली दान में देंगे और 25 लोग आके साथ में फोटो खिंचवा के इंटरनेट पे डाल देंगे। कोई निस्वार्थ भाव से कोई कार्य करना नहीं चाहता, इसलिए मेरा मन बड़ा दुखी है। और जब मैं मन की शांति के लिए तीर्थों पे गया तो देखा वहां तीर्थों को भी पापियों ने मलीन कर दिया है। अच्छा, आप कहां कहां पधारे? जब सनत कुमारों ने प्रश्न किया तो देवर्षि नारद ने कहा कि मैं सबसे पहले गंगा जी पे गया। मैंने सोचा गंगा जी का दर्शन कर लूं, तो वहां भी मैंने पापियों को देखा कि पापी रोज दिन में पाप करते हैं, रात में पाप करते हैं, और सुबह आके गंगा जी में डुबकी लगा जाते हैं और बोलते हैं कि हमने तो अपने सब पाप धो दिए, और वापस जाके फिर पाप करना चालू कर देते हैं। गंगा जी को मेला कर दिया, प्रयाग गया, हरिद्वार गया, गोदावरी जी पे गया, नर्मदा जी पे गया। इसलिए महाप्रभु श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि गंगादि तीर्थ वर्येषु दुष्टैरेवा व्रतेश्वः। सब तीर्थों को पापियों ने मलिन कर दिया है, मनुष्य कहां पवित्र हो? इसलिए महाप्रभु श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि जब कोई सच्चा वैष्णव तीर्थ के ऊपर जाके स्नान करता है तब तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदा भ्रता। जब गंगा जी ने भगीरथ से कहा कि भगीरथ, जब पापी मेरे अंदर पाप धोएंगे तो मैं मलिन हो जाऊंगी, मेरी मलिनता कौन दूर करेगा, मेरे अंदर जो पाप हैं वो कौन दूर करेगा, तो भगीरथ ने कहा कि हे गंगे मैया, जब कोई सच्चा भक्त सच्चा वैष्णव गंगा स्नान करेगा तो वो आपके भी पापों को दूर कर देगा। इसीलिए एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि जिन्होंने श्री ठाकुर जी का आश्रय लिया हुआ है, जिन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया हुआ है, वो तीर्थ को भी पवित्र कर देते हैं। जैसे सेठ पुरुषोत्तम दास जी की बेटी गंगा, परम भगवदीया वैष्णव, नित्य भाव से हरि गुरु वैष्णव की सेवा करे, जब उसका समय पूरा हुआ, उसकी देह छूटी, अर्थात जब उसकी मृत्यु हुई, आम भाषा में जब हम कहें उसकी देह छूटी, तो सब वैष्णवों ने आके श्री गोसाई जी से प्रार्थना करी कि रुक्मिणी, जो सेठ पुरुषोत्तम दास की लड़की है रुक्मिणी, कि हे श्री गोसाई जी महाराज, हे कृपानाथ,
आज रुक्मिणी की देह पूरी हुई, रुक्मिणी ने अपनी देह त्यागी, उसने गंगा जी को प्राप्त किया। तो श्री गोसाई जी कहते हैं, नहीं ऐसा मत बोलो कि उसने गंगा जी को प्राप्त किया, वो तो इतनी बड़ी भक्त थी कि आज तो गंगा जी ने स्वयं रुक्मिणी को प्राप्त किया। तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी। एक बार का प्रसंग आता है, अन्य पुराणों में प्राप्त होता है कि पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि मोक्ष किनको प्राप्त होता है। तो शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, हे प्राणवल्लभ, हे प्रिये, जो अपने स्वरूप को जानते हैं, जो अपने आप को पहचानते हैं, जो आत्म तीर्थ को जानते हैं, उन्हें ही मोक्ष प्राप्त होता है, और जो दर दर भटकते रहते हैं उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो शंकर जी क्या कहते हैं कि आत्म तीर्थम न जानन्ति कथम मोक्षी भवे प्रिय। श्रीमद् भागवत जी में आपको वेद, वेदांत, उपनिषद, अन्य पुराणों का भी उदाहरण देके हम समझाएंगे, ताकि आपको ज्ञान हो कि श्रीमद् भागवत जी में जो सिद्धांत बतलाए हैं वह सिद्धांत अन्य पुराणों में भी दिए गए हैं। इसलिए तो श्रीमद् भागवत जी को कहा है कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। श्रीमद् भागवत जो है पुराणों का तिलक है। जिस प्रकार से तिलक नहीं लगाओ तो माथा सूना लगता है, जिस प्रकार अगर महिला बिंदी नहीं लगाए तो लगता है उसका सौभाग्य नहीं है, इसी प्रकार सभी पुराणों का, सभी शास्त्रों का सौभाग्य क्या है, श्रीमद् भागवत जी है। इसलिए श्रीमद् भागवत जो है यह स्वयं तीर्थ है। इसलिए तो समझाया महात्म्य समझो। शंकर जी भी कहते हैं कि आत्म तीर्थम न जानन्ति, जो आत्म तीर्थ को नहीं जानते वो जीवन में कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, और जो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता वो जीवन में कभी भक्ति भी क्या प्राप्त करेगा, और जिसको भक्ति नहीं मिली उसे तो भगवान भी मिलना बहुत दूर की बात है। तो है सनत कुमारों, मैं ऐसे ही घूमते घूमते जब वृंदावन में गया तो वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा, और वह आश्चर्य ऐसा देखा कि एक स्त्री के रुदन की आवाज मैंने सुनी। एक महिला रुदन कर रही थी और मुझे पुकार रही थी कि हे देवर्षि इधर आइए, हे देवर्षि इधर आइए। मैंने कहा यहां मुझे पुकारने वाला कौन। तो जहां से उसकी आवाज आ रही थी मैं वहां गया, तो मैंने देखा के 16 श्रृंगार धारण किए हुए एक नव युवती, जिसके पास रिद्धि और सिद्धि दोनों विराजमान हैं, जो उसकी चवर ढुला रही हैं, हजारों दासियां उसके पास खड़ी हैं, कोई पंखा कर रही है, कोई मोरछल कर रही है, एक दासी के पास सुंदर वस्त्र है, वो कह रही है कि देवी क्यों रुदन कर रही हो, ये सुंदर वस्त्र धारण करो। तो एक उसकी दासी कह रही है कि ये नवरत्न के श्रृंगार धारण करो। अनेक दासियां जिसको रिझाने के लिए प्रयत्न कर रही हैं, फिर भी वह युवती जो है 16 श्रृंगार धारण किए हुए, जिसका अनुपम सौंदर्य है, वो रुदन ही करते जा रही है। उसके मन का क्लेश ताप शांत ही नहीं हो रहा। मैं उसके पास गया, मुने उससे पूछा कि देवी आप कौन हो, ऐसा अपार ऐश्वर्य तो आज तक किसी के पास नहीं देखा, आप कौन हो। तो वह स्त्री कहती है कि मैं एक माता हूं।
आप माता हैं? बोले हाँ। तो आपको क्या कष्ट है? तो वो स्त्री कहती है कि मेरे दाएं और बाएं जो ये वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। जिस माता के दोनों पुत्र वृद्ध होके अचेत पड़े हों और माता युवती हो, उस माता को हृदय में कितना कष्ट होगा। इसलिए हे देवर्षि, आप मेरे कष्ट को दूर करो। तो आप कौन हैं? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं भक्ति हूं। अरे भक्ति मैया आप? बोले हां मैं भक्ति। तो श्री महाप्रभु जी यहां पर बड़ी सुंदर आज्ञा करते हैं श्री आचार्य चरण कि यह कौन सी भक्ति है? यह मर्यादा भक्ति है। यह मर्यादा भक्ति है जिसके दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, जिसके कारण उसको हृदय में ताप हो रहा है। यह पुष्टि भक्ति नहीं है, क्योंकि जो पुष्टि भक्ति होती है वो तो सदा प्रभु के श्री चरणों में रहती है और उसके संपर्क में जो आता है वो भी सदा श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में विराजमान रहता है। तो यह मर्यादा भक्ति है। तो है भक्ति मैया आपको यह संताप? अरे आपका दर्शन करने से तो दूसरे लोगों के ताप दूर हो जाते हैं। जिसके घर आप चले जाओ उसका घर पवित्र हो जाता है। भगवान गीता में कहते हैं, आज्ञा करते हैं कि अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी अगर मेरा भक्ति से भजन करता है तो मैं उसके समस्त पाप दूर कर देता हूँ और उसे मैं साधु बना देता हूँ, वैष्णव बना देता हूँ। पर नारद जी मेरा संताप तो दूर करो। नारद जी वेद पाठ करते हैं, ओम स्वस्ति न इंद्रो वज्रश्रवाहा, स्वस्ति वाचन करते हैं, पुण्या वाचन करते हैं, पोषण मंत्रों के द्वारा भक्ति का पोषण करने का विचार करते हैं। तो देखो जितनी देर वेद मंत्र का पाठ करें उतनी देर तो भक्ति भी आनंदित हो और ज्ञान वैराग्य भी युवा हो जाए, और जब पाठ बंद करें तो वापस वृद्ध हो जाए, बेहोश हो जाए, अचेत हो जाए। कहने का तात्पर्य क्या है? जीवन में भक्ति कैसी होनी चाहिए? बिना ज्ञान की नहीं होनी चाहिए। देखा देखी साधे जोग, उसके जीवन में बढ़े रोग। आजकल हम भक्ति कैसी करते हैं कि हमारे पड़ोसी ने कोई काम करना चालू किया, भले ये पूजा कर लो इससे सब काम बन जाएंगे, हमने वो पूजा करी। दूसरे ने कहा कि ये काम करना चालू कर दे, हमने वो काम करना चालू कर दिया। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? जिसमें ज्ञान हो। और ज्ञान कब होता है? कि जब हम गुरु के चरणों में बैठते हैं। ज्ञान कब होता है? कि जब हम अपने घर के बड़ों के चरणों में बैठते हैं। ज्ञान कब होता है? कि जब हम धर्म शास्त्र का अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भागवत का रसपान करते हैं। तो हमारा ज्ञान कैसा होना चाहिए? जो शास्त्र सम्मत हो। इसलिए महाप्रभु श्री वल्लभ बड़ी सुंदर आज्ञा करते हैं निबंध के अंदर कि प्रमाणम एव अनुसर्तव्यम, प्रमाण का ही अनुसरण करना चाहिए, ना कि कोई लौकिक बुद्धि का अनुसरण करना। तो प्रमाण क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवत। प्रमाण क्या है? हमारे श्री वल्लभ महाप्रभु जी के ग्रंथ, श्री हरिराय जी के ग्रंथ, श्री गुसाई जी के ग्रंथ, हमारे धर्म शास्त्र रामायण महाभारत, यह प्रमाण है। इनका अनुसरण करना चाहिए, ना कि टोने टोटके का, ना कि
तंत्र मंत्र का, क्योंकि इनसे दुख प्राप्त होता है। और जब हम शास्त्र का अनुसरण करते हैं तो जीवन में आनंद और परमानंद की प्राप्ति होती है। जीवन में उमंग और उत्साह की प्राप्ति होती है, और वह उमंग, वह उत्साह, वह सुख, वह आनंद ही तो भक्ति है। जो प्रफुल्लित रहती है, मुखरित रहती है, 16 श्रृंगार से सुसज्जित रहती है। तो जीवन में ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो हमें धर्म से जोड़े, जो धर्म से तोड़े वह ज्ञान नहीं होना चाहिए। और वैराग्य, भक्ति कब प्रसन्न होती है? जब जीवन में वैराग्य हो, अर्थात त्याग की भावना हो, स्वार्थ की भावना नहीं हो। जब वैराग्य की भावना हो जीवन में, वैराग्य का मतलब यह नहीं कि घर छोड़ देना, नहीं, वैराग्य का तात्पर्य यह कि जो हमें लोभ लालच दे ऐसी वृत्ति को छोड़ना, जो हमें अधर्म सिखलाए ऐसी संगति को छोड़ना, यह वैराग्य है। तो नारद जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तब सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी महाराज, कुछ करने की ही आवश्यकता नहीं है। तो बोले क्या करूं, भक्ति को कैसे आनंद हो? तो सनत कुमार जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करो। तो नारद जी कहते हैं यही तो आकाशवाणी हुई थी कि संत समागम होगा। तो हे सनत कुमारों, आपका समागम हो गया, आपने श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। बोलो भागवत भगवान की जय। तो चलो श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करते हैं। तो सनक सनातन सनत कुमार कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जी से जीवन में आनंद और संतोष सब प्राप्त होता है। तीन प्रकार की कथा होती है और तीन प्रकार से कथा की कामना होती है। देखो कथा कितने प्रकार से की जाती है वो आपको समझाता हूं। सबसे पहली होती है व्यास शैली। कौन सी होती है? जिसके अंदर केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान ही ज्ञान जिस कथा के माध्यम से हमको मिले वो समझना व्यास जी की शैली है। एक शैली होती है सुखदेव जी की शैली, एक शैली होती है नारद जी की शैली, एक कथा करने की शैली होती है सूत जी की शैली, और एक कथा करने की शैली होती है देरानी जेठानी सास बहू की शैली। तो नारद जी की शैली कौन सी और सुखदेव जी की शैली कौन सी? तो जिसमें केवल ज्ञान ही ज्ञान हो वो व्यास जी की शैली, और जिसमें ज्ञान के साथ भक्ति रस की धारा भी बहे, रस धारा जिसमें बहे, वो सुखदेव जी की शैली। तो नारद जी की शैली कौन सी? तो नारद जी की कथा शैली वह है कि जिसमें ज्ञान गंगा भी हो, भक्ति की यमुना जी का प्रवाह भी हो, और प्रभु के कीर्तन और संकीर्तन भी हो, वो नारदीय शैली। तो आप जिस शैली में कथा श्रवण कर रहे हैं वह नारदीय शैली है, कि जिसमें ज्ञान भी है, भक्ति प्रेम की यमुना भी बह रही है, और कीर्तन संकीर्तन भी हो रहा है। तो तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं, एक लौकिक कामना से कथा सुनता है वो निम्नाधिकारी, के कथा सुनूंगा तो मेरे सब पाप धुल जाएंगे, कथा सुनूंगा तो मेरे घर में रिद्धि सिद्धि समृद्धि आएगी, वो निम्नाधिकारी है।
तो मध्यमाधिकारी कौन है? कि जो मोक्ष चाहता है कि कथा सुनने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और उत्तमाधिकारी कौन है? उत्तमाधिकारी वह है, वह श्रोता उत्तमाधिकारी है जो कथा सुनने के बदले यह चाहता है कि मुझे सदा प्रभु की कथा सुनने को मिलती रहे और कथा के माध्यम से श्री ठाकुर जी के दर्शन होते रहे। उसे यह व्यसन हो जाए, उसके संतप्त जीवन को आनंद परमानंद और तृप्ति प्राप्त हो जाए। क्योंकि श्रीमद् भागवत क्या है? एक ऐसा रस है, ऐसा रसायन है जो सभी रोगों से सभी दोषों से मुक्त कर देता है। इसलिए तो गोपियों ने कहा कि तव कथामृतम् तप्त जीवनम्, तव कथामृतम् तप्त जीवनम्, व्यसन हो जाना चाहिए कथा सुनने का। तो अब हरिद्वार में कथा का आयोजन किया गया। कथा के लिए स्थल तो चाहिए ना, तो स्थल कौन सा चयन किया? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और नारद जी ने हरिद्वार। हरिद्वार का चयन किया गया। अब कथा कहाँ बिठाई जाए? मंडप तो होना चाहिए, तो एक छोंकर के वृक्ष के नीचे कथा बिठाई गई। पर्यो रहूं छोंकर की छैया, श्री राम कृष्ण गुण गाऊं। वक्ता कौन हुए? तो चारों ऋषि वक्ता हुए। अब यजमान किसको बनाना? तो नारद जी महाराज यजमान बन गए। यजमान भी हो गए, वक्ता भी हो गए और कथा स्थल भी निश्चित हो गया। और जब मालूम पड़ा कि वक्ता इतने अलौकिक, यजमान इतने अलौकिक, तो हजारों संतों की वहां भीड़ लग गई, हजारों वैष्णवों की वहां भीड़ लग गई। तभी सनत कुमारों ने कहा, नारद जी ने कहा कि हे भक्ति मैया आप पधारो। और भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर पधारी और वहां आसन बिछा था, वहां विराजने लगी। और जैसे ही वहां विराजने लगी, नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं मैया यहां नहीं विराजना। सनत कुमार ने कहा नहीं यहां मत विराजो भक्ति माता। तो भक्ति ने पूछा कि मैं कहां बैठूं? तो देवर्षि नारद और सनत कुमार ऋषि ने कहा कि हे यमुना, हे भक्ति मैया, अगर आप बाहर विराजमान हो जाओगी तो वैष्णव के हृदय में कौन बैठेगा? अगर भक्ति ही हृदय में नहीं होगी तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए आपका आसन तो वैष्णवों का हृदय है, आप जन जन के हृदय में, जन जन के मन में विराजमान हो जाओ, तो वैष्णव जनों के हृदय में भक्ति विराजमान हो गई। के भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भव रोग हंत्री। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भव रोग हंत्री। सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरं वैष्णव मानसानि। निरंतरं वैष्णव मानसानि, वैष्णव के हृदय में विराजमान हो जाओ। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत का शुभारंभ होता है। हे वैष्णवों, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस वैष्णव मास में, पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत का रसपान कर रहे हैं। तो ऐसे आप भगवदीय जन हैं,
धन्य हैं आप जो पुरुषोत्तम मास में कथा श्रवण कर रहे हैं, धन्य हैं ऐसे श्री यमुना महिला मंडल के मनोरथी वैष्णवजन, यह गोपियां धन्य हैं जो पुरुषोत्तम मास में भगवत लीला का रसपान कर रही हैं और करवा रही हैं। तो यह पुरुषोत्तम मास बड़ा परम पवित्र पुनीत मास है, जिसको सदा मिला प्रभु का साथ है, जो प्रभु का खास है, जिसकी आस हर भक्त के हृदय में वास करती है, जिसमें हर वैष्णव को प्रभु की कृपा की प्यास लगी रहती है। तो धन्य यह पुरुषोत्तम मास जिसमें हम कथा श्रवण कर रहे हैं, और हम भी अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं कि हम आपको पुरुषोत्तम मास में श्री गोवर्धन नाथ जी को कथा श्रवण करवा रहे हैं, प्रभु को भी कथा श्रवण करवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो यह परम पवित्र पुरुषोत्तम मास है, तो आइए पुरुषोत्तम मास का भी यशगान करते हैं जो सूरदास जी ने किया है। नीको पुरुषोत्तम मास लागे, नीको पुरुषोत्तम मास, नीको पुरुषोत्तम मास लागे, नीको पुरुषोत्तम मास, जाकी महिमा जगत बखाने जाही, महिमा जगत बखाने जाकी, महिमा जगत बखाने जाकी, महिमा जगत बखाने, भक्त करे वाकिया, भक्त करे वाकिया, सुनी को लागे पुरुषो तम मास, नीको पुरुषोत्तम मास लागे, नीको पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम मास लागे, निको पुरुषोत्तम मास, जाकी महिमा जगत बखाने जाकी, जाकी महिमा जगत बखाने, भक्त करवा के आस, निको लागे पुरुषोत्तम मास, निको आप ही चंद आप ही सूरज, आप ही चंद्र आप ही सूरज, आप ही चंद्र आप ही सूरज, आप ही चंद्र आप ही सूरज, आप ही होत प्रकाश, निको लागे पुरुषोत्तम सुरी जन को, आप ही दान देत सुरी जन को, आप ही दान देत सुरी जन को, आप ही दान देत सुरी जन को, नित नित प्रेम की आस, नित नित प्रेम की आस, निको लागे पुरुषोत्तम सब अर्पण, आप ही जोगे भोग सब अर्पण,
जोग सब अर्पण आपही जोगे भोगे सब अर्पण हे प्रभु मन में उल्लास हाय हे प्रभु मन में उल्लास श्री को लागे पुरुषोत्तम मास लागे पुरुषोत्तम मास प्रभु सबके स्वामी सूरदास प्रभु सबके स्वामी सूरदास प्रभु सूरदास प्रभु सबके सबके स्वामी सूरदास प्रभु सबके स्वामी सूरदास प्रभु सबके स्वामी सूरदास प्रभु सबके स्वामी सूरदास प्रभु सबके स्वामी मोहे राखो चरण के पासनी को लागे पुरुषोत्तम मास नी को लागे पुरुषोत्तम मास सूरदास प्रभु सबके स्वामी सूरदास प्रभु सबके स्वामी सूरदास प्रभु सबके स्वामी सूरदास प्रभु सबके स्वामी सूरदास सूरदास प्रभु सबके स्वामी राखो चरण के पास राखो चरण के पास सनी को लागे पुरुषोत्तम मास लागे पुरुषोत्तम मास लागे पुरुषोत्तम मास नी को लागे पुरुषोत्तम लागे पुरुषोत्तम लागे पुरुषोत्तम मास बोलो पुरुषोत्तम मास की जय अधिक मास की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय भक्त और भगवान की जय जय अब बड़ी सुंदर कथा चल रही है। तभी नारद जी ने एक प्रश्न कर लिया, महाराज रुको। सनत कुमारों ने कहा कि क्या बात है नारद जी? बोले महाराज एक शंका है मन में। बोले क्या? जिसने जीवन में भक्ति की है, जिसने जीवन में प्रभु की सेवा की है, उसका तो उद्धार हो ही जाता है, पर क्या कोई ऐसा उदाहरण है कि जिसने कभी कोई सत्कार्य नहीं किया, कभी कोई धर्म नहीं किया, कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया, कभी प्रभु की सेवा नहीं की, लेकिन फिर भी ऐसे पापी मनुष्य का, ऐसे दुष्ट मनुष्य का मोक्ष हो गया, ऐसा कोई उदाहरण है? सनत कुमार हंसते हैं, बोले नारद जी आप धन्य हैं, आप सदा प्राणी मात्र के कल्याण का विचार करते हैं। यह प्रश्न आपका नहीं है, यह प्रश्न तो हर मनुष्य का है।
बोले है। अपने यहां भी कीर्तन में आता है ना कि कहा भयो जो भक्त भक्तिन सो तार दीने, अरे जो भक्ति करेगा वो तो यूं ही तर जाएगा। कहा भयो जो भक्त भक्तिन सो तार दीने, बिना भक्ति तारो तो तार वो तिहारो है, बिना भक्ति के तारो तब तो आप तारणहार, तब तो आप कृपानाथ, वरना भक्ति करेगा वो तो यूं ही तर जाएगा। बिन भक्ति तारो तो तार वो तिहारो है। आत्मदेव जी महाराज की कथा सुनाते हैं। बोलो आत्मदेव जी महाराज की जय। आत्मदेव जी नाम के एक ब्राह्मण हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, भगवत चरणानुरागी सत्संगी हैं। उनके हृदय में एक दुख है कि उनके घर में कोई संतान नहीं है। जंगल में बैठे बैठे रुदन कर रहे थे, तभी एक संत वहां से निकले। संत का चेहरा देख करके आत्मदेव जी के मन की व्यथा और बढ़ गई। संत उनके हृदय की व्यथा समझ गए, पूछने लगे कि हे तेजस्वी ब्राह्मण, दिखने में तो आप कोई बहुत पुण्यशाली ब्राह्मण हो, बताओ क्या समस्या है। आत्मदेव जी ने कहा कि हे महात्मन, मुझे संतान चाहिए। संत जो थे महात्मा हंसे और कहा कि बेटा, गोपाल को ही अपना बालक मान के सेवा कर। लेकिन आत्मदेव जी नहीं माने, आशीर्वाद दिया, एक फल निकाल के दिया कि ले यह फल, ले जा अपनी पत्नी को खिला देना। अब वो फल क्या है? वो फल जो है प्राकृतिक वस्तु है। देखो एक बात समझाता हूं, जो प्राकृतिक वस्तु हो है ना, जो प्रकृति ने हमें दी, उनमें बड़ी ऊर्जा होती है। इसलिए आप देखना कि जब भी प्रसंग आएगा कहीं पर भी, तो क्या आता है कि गुरु ने फल दिया, क्योंकि फल जो होता है वो जीवन को सफल करता है। इसलिए एक संकल्प लो कि हम ज्यादा नहीं तो एक फल श्री ठाकुर जी को अवश्य भोग धरेंगे। ये संकल्प लो कि हम वैष्णव हैं, एक फल अवश्य श्री ठाकुर जी को भोग धरेंगे, क्योंकि जो फल भोग धरता है उसका जीवन सुफल होता है। भगवान गीता में आज्ञा करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मुझे फल प्रदान करता है वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तो संत ने फल दिया, संत मन की व्यथा समझ गए। इसलिए मन में अगर कोई व्यथा हो तो श्री ठाकुर जी के दर्शन करने आ जाओ, क्योंकि हमारा जो मुख है, हमारा जो मुखमंडल है, चेहरा है, वो आईना होता है। चेहरा देख के समझ में आ जाता है कि मनुष्य सुखी है या दुखी है, मनुष्य प्रसन्न है या चिंतातुर है, मनुष्य उत्साही है या अनुत्साही है। तो जब आप श्री ठाकुर जी के सामने जाओगे, श्री ठाकुर जी का दर्शन करोगे, उस मंगलमुखी प्रभु का दर्शन करोगे, तो आपके जीवन के भी सब अमंगल दूर हो जाएंगे। ठाकुर जी आपका चेहरा देख के समझ जाएंगे कि मेरे वैष्णव को क्या कष्ट है, उस कष्ट को दूर कर देंगे, क्योंकि चेहरा पूरा दिल का हाल बयां कर देता है। फल लेके आए, अपनी पत्नी को कहा कि देख, संत ने प्रसाद दिया, हमारे घर पे बालक होगा। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम धुंधुली। धुंधुली कौन? दुर्बुद्धि। धुंधुली कौन? मायिक बुद्धि। धुंधुली कौन? झगड़ालु बुद्धि। धुंधुली कौन? शंकालु बुद्धि। उसने कहा, संत के फल से भी कोई संतान होती है? ऐसे बाबा जी तो बहुत नगर नगर डगर डगर घूमते रहते हैं, आप भी किनके चक्कर में फंस गए? उसने फल लेके कहा, ठीक है खा लूंगी, आप कह रहे हो तो खा लूंगी।
गौशाला में डाल दिया और गाय ने उस फल को आरोग लिया और संत के आशीर्वाद से गाय के एक बछड़ा हुआ और वह अद्भुत हुआ और वह परम भक्त हुआ जिसका पूरा शरीर मनुष्य का और कान गाय के, जिसे हम कहते हैं बोलो भक्तराज गोकर्ण जी महाराज की जय। और उस धुंधुली ने पेट पे तकिया लगा लिया, सब जगह बोल दिया कि मैं गर्भवती हूं और समय आने पर अपनी बहन का जो बच्चा था वो ले लिया और सब जगह कांसे की थाली पिटवा दी, बधाई करवा दी कि मेरे यहां बालक हुआ है, बालक हुआ है। वो थाली बजती है ना सब जगह, बालक होता है जब, कि मेरे यहां पे लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। आत्मदेव जी ने कहा धुंधली से कि धुंधली हमारा बालक हुआ है, मेरा नाम आत्मदेव तो मेरे बेटे का नाम परमात्मदेव होना चाहिए, क्योंकि इस आत्मा का फल क्या है, परमात्मा की प्राप्ति। अब वो दुर्बुद्धि ने कहा कि 9 महीने पेट में हम रखें और नाम तुम्हारा, बिल्कुल नहीं। तो बोले इसका नाम क्या, बोले मैं धुंधली तो मेरा बेटा धुंधकारी, ऐसे नहीं बोलते धुंधकारी। अब धुंधकारी कौन, तो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, महान पापी महान दुष्ट धुंधकारी, शवहस्तेन भोजनम, जिसने कोई धर्म कर्म करना नहीं सीखा। तो धुंधकारी कौन, तो बताया प्रत्येक मनुष्य धुंधकारी है, जिसके हृदय में, जिसके मन में, जिसके भाव में, जिसके ध्यान में, जिसके ज्ञान में, जिसके कर्म में, जिसकी क्रिया में, जिसके विचारों में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की धुंध जम गई हो, जिसके जीवन में काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य समा गया, वो हर मनुष्य धुंधकारी है। तो धुंधकारी कैसे बना, आत्मदेव जी ने सत्संग नहीं दिया। हम मंदिर अपने छोटे छोटे बच्चों को क्यों लेके आते हैं, क्या घुमाने के लिए लाते हैं, नहीं। क्या भीड़ दिखाने के लिए लाते हैं, नहीं। हम मंदिर इसलिए लेके आते हैं ताकि हमारा बालक संस्कारी बने। हम इसलिए मंदिर लेके आते हैं ताकि हमारा बालक धर्म कर्म करना सीखे, क्योंकि अगर हमारा बच्चा परम पिता की सेवा नहीं करेगा तो हमारा बालक, हमारा बेटा, हमारी बेटी अपने माता पिता की सेवा भी नहीं करेंगे। इसलिए हम उन्हें मंदिर लेके आते हैं, दान देना सिखाते हैं कि गरीबों को दान दो, ब्राह्मणों को दान दो, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ब्राह्मण देवता को दान दो। हम मंदिर लेके आते हैं ताकि श्री ठाकुर जी के मनोरथ करना सिखाएं, श्री ठाकुर जी में सामग्री विनियोग करना सिखाएं। अगर हमने ये नहीं सिखाया तो बड़ा हो के हमारा बच्चा भी ये सोचेगा कि बूढ़े माँ बाप कितने दिन के इनकी दवाई दारू में क्यों पैसा खर्च करना, मरते हो तो मरने दो, आज न कल तो इनको मरना ही है। जब आप कहोगे कि बेटा आज तो कुछ व्यंजन खाने की इच्छा है, तो बेटा बोलेगा कि पिताजी तुम्हारे दिन गए, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत कमजोर हो रही है, व्यंजन खाने की इच्छा है, सूखी रोटी खाओ। तो अगर अपना भविष्य सुधारना है तो आत्मदेव जी जैसी गलती मत करना। अपना जीवन सुधारना है तो आत्मदेव जी ने गलती करी, खुद तो सत्संग किया, बेटे को सत्संग नहीं करवाया, खुद तो भगवान की सेवा करी लेकिन बेटे को प्रभु की सेवा नहीं सिखाई। इसलिए उसने क्या किया, अपने जीवन में दुराचार करना प्रारंभ कर दिया। तो श्रीमद् भागवत कहती है कि धुंधकारी घर में 5 वेश्याएं ले आया,
तो वो वेश्याएं कौन सी हैं? इसका मतलब कोई वो स्त्री लेके नहीं आया। पांच प्रकार की आसक्ति जो हर मनुष्य को होती है उसे ही गणिका का नाम दिया गया है। वो पांच आसक्ति कौन है जिसमें लिप्त होकर मनुष्य अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, अपने जीवन का नाश कर लेता है? वो पांच आसक्तियां हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब कानों को वाह वाह सुनने की आदत हो जाए कि वाह साहब आप तो बहुत अच्छे हैं, क्या बात है साहब आप तो बहुत बड़े भगत हो, और जहां किसी ने कह दिया कि भैया तुमने यहां गलती कर दी, वहां पे ही अंदर का राक्षस जाग जाए, तो समझना कि तुम धुंधकारी हो गए हो। जब कानों को मीठा मीठा और जय जयकार सुनने की ही आदत हो जाए, जैसे दुर्योधन को हो गई थी कि जो दुर्योधन को सही शिक्षा देता था दुर्योधन उसको मारने दौड़ता था, तो शब्द, स्पर्श, ये स्पर्श जो है दूसरे नाम की गणिका है, अर्थात जब ऐसी ही आदत हो जाए कि भाई सोएंगे तो डल्लप के गद्दे पे ही सोएंगे, सोएंगे तो बढ़िया मलमल की और मखमल की चादर बिछा के ही सोएंगे, सोएंगे तो एसी चला के ही सोएंगे, जिसके शरीर ने कभी तप करना नहीं सीखा वो व्यक्ति धुंधकारी, जिसके शरीर ने हमेशा सुख स्पर्श की ही कामना की हो, जिसने कभी मेहनत नहीं की, जिसने कभी किसी की मदद नहीं की, वह व्यक्ति धुंधकारी। तीसरा क्या बताया? रूप, अर्थात जो अपने ही रूप में मोहित रहता हो कि मैं कितना सुंदर हूं, मेरा रूप देखो, मेरा वर्ण देखो, मेरा सौंदर्य देखो, जो हमेशा ही सुंदरता के पीछे रहता है, जो सदा इस चमड़ी के प्रति आकर्षित होता है, ऐसा चर्मकार धुंधकारी है, जो रूप को बनाने में लगा रहता है। रूप कैसा? चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी। एक समय तो आएगा जब व्यक्ति बूढ़ा होगा, चमड़ी ढीली होगी, गर्दन की चमड़ी लटकेगी, आंखों की चमड़ी झुर्रियां आना चालू हो जाएंगी, तब रूप चला जाएगा। तो जिस रूप पे गर्व है वो रूप तो चला गया, और फिर क्या होगा? फाउंडेशन लगाएंगे, मेकअप करेंगे। तो मेकअप कितना भी कर लो, जब रात को मुंह धोगे तो जितना रूप है वो सब गटर में बह जाएगा। इसलिए हमारे यहां क्या कहा गया है? रूप मत सवारो। फिर दूसरा रस, जी जो सदा भोजन के लिए लालायित रहता हो, जो हमेशा यही सोचता हो कि मुझे स्वादिष्ट भोजन ही मिलता रहे, जिसके जिह्वा पे सदा भोजन के लिए लार टपकती रहे, जिसने कभी व्रत कभी उपवास करना नहीं सीखा, जो एकादशी के दिन भी 10 प्रकार की सामग्री बना के खाता हो, वो समझना वो धुंधकारी है। और दूसरा गंध, जो यही सोचता रहे कि मैं जहां भी जाऊं खूब सेंट परफ्यूम इत्र लगा लगा के जाऊं, मेरी खुशबू लोग सूंघ के बोले क्या बात है, क्या खुशबू हो रही है साहब, क्या परफ्यूम लगाया है। तो जब तक ये पांचों चीज में लिप्त रहोगे तब तक धुंधकारी बने रहोगे। तो जीवन में क्या करना है? इन पांचों की शुद्धि करनी है, इनको जीवन से हटाना नहीं है, इनकी शुद्धि करनी है। तो सबसे पहली गणिका क्या है? शब्द, उसकी शुद्धि करनी है। और वो शुद्धि कैसे होगी? शब्द की शुद्धि कैसे होगी? कि जब हम सच्चाई सुनना पसंद करेंगे, कोई हमारी बुराई करेगा वो भी हम सुनना पसंद करेंगे, तब समझ जाना हम धुंधकारी से वैष्णव बन गए।
जब हम प्रभु का नाम सुनना चालू करें, प्रभु का कीर्तन सुनना चालू करें और सुसंस्कृत वाणी बोलें, तब हमारे शब्दों की शुद्धि होगी। स्पर्श की शुद्धि कब होगी? कि जब हम जीवन में तप करेंगे, तपस्या करेंगे। जिस प्रकार आप तपस्या कर रहे हो, आप जमीन पे बैठे हो, गादी पे बैठते हैं लोग, लोग सोफा सेट पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, लेकिन आप 3.5 घंटे से जमीन पे बैठे हो, इसलिए तो आपका यश बड़ा है, आप वैष्णव हो। तो जो जमीन पे बैठे वो जमींदार, वो जो चौकी पे बैठे वो तो आप सब जमींदार लोग हो। रूप, तो रूप कब निखरता है? जब हम स्वरूप निखारते हैं। इसलिए रूप मत बनाओ, स्वरूप बनाओ, अपने स्वरूप को निखारो। तो जब आपका स्वरूप निखर जाएगा, तब आपके अंदर ओजस्विता, तेजस्विता आ जाएगी। और केवल रूप निखारने में रह जाओगे तो क्या होगा? गाड़ी छूट जाएगी। पर प्रभु इतने कृपालु हैं कि जीवन भर अगर रूप निखारा और बुढ़ापे में भी आके स्वरूप निखारने का मन हो जाए कि हमें सत्संग के द्वारा अपने स्वरूप को निखारना है, कथा के द्वारा अपने स्वरूप को निखारना है, और प्रभु के पास जाओगे तो प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। क्योंकि प्रभु का स्वभाव कैसा है? कृपा करना। वो कृपानाथ है। एक बहुत अच्छा गाना है कि तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। तो यह स्वरूप की सिद्धि है। इसलिए कहते ना कि भाई श्री ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है, यूं नहीं कहा जाता कि ठाकुर जी का रूप कैसा है, नहीं, स्वरूप कैसा है। वैष्णव के स्वरूप को जानो, ऐसा नहीं कहते वैष्णव के रूप को जानो, नहीं, स्वरूप को जानो। और क्या कहा जाता है? रस की शुद्धि कैसे की जाती है? कि जब हम श्री ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं, श्री ठाकुर जी को भोग धर के महाप्रसाद लेते हैं, तो जीवन में रस तत्व की शुद्धि हो जाती है। और गंध की शुद्धि कैसे होती है? कि जब हम श्री ठाकुर जी को सुगंधित इत्र धराते हैं और वह प्रसादी इत्र जब हम लगाते हैं तो गंध की शुद्धि हो जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लेकिन धुंधकारी ने इनकी शुद्धि नहीं की, आखिरकार इनमें लिप्त होके वो मरा, और जब मरा तो प्रेत हुआ। वो गोकर्ण जी महाराज जब संयोग से लौट के घर आए तो उन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य देखे कि मेरे घर में ऐसे उपद्रव, आत्मदेव जी के घर में उपद्रव। गायत्री मंत्र हाथ में जल लेके बोला और छिड़का, तो जैसे ही छिड़का तो जो परछाई कभी दाएं कभी बाएं जा रही थी, वो काली परछाई सामने आके खड़ी हो गई। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि आत्मदेव जी जैसे परम भक्त परम ज्ञानी के घर पे तुम कौन हो?
तो धुंधकारी कहता है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि। धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे गोकर्ण जी महाराज, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। पांच मिनट। तो बोले धुंधकारी तुम? अरे भाई तुम प्रेत कैसे बन गए? तो धुंधकारी ने कहा कि मैं प्रेत ऐसे बन गया कि मैंने ऐसे निंदित कर्म किए, इसलिए मैं प्रेत बन गया। स्वकीय नैव दोषेण, मेरे कर्मों के कारण। यहां समझने की बात है, मनुष्य किसी के करे दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य अपनी दुर्बुद्धि से, अपने दुष्कर्मों के द्वारा ही पतित होता है। इसलिए धुंधकारी ने कहा कि अपने ही कर्मों के कारण मैं प्रेत बना हूं, मेरा उद्धार करो। तो आदित्य नारायण भगवान की स्तुति की, सूर्य नारायण भगवान की स्तुति गोकर्ण जी महाराज ने की, भागवत का उपदेश प्राप्त हुआ, सात गांठ का बांस लगाया, एक एक दिन की कथा होती जा रही थी और एक एक बांस की गांठ तड़कती जा रही थी। इस प्रकार सातवें दिन बांस की सातों गांठें टूटी और भगवान का विमान आया और उस विमान के ऊपर बैठ के धुंधकारी जो है भगवत धाम को पधार जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। और जैसे ही जयकारा लगा, बड़ा आनंदित वातावरण हो गया। श्रीमद् भागवत कहती है जैसे ही यह जयकारा लगाया, सुखदेव जी उठ के खड़े हो गए, व्यास जी उठ के खड़े हो गए, सब भक्त जन उठ के खड़े होकर नृत्य करने लगे और बड़ा अलौकिक वातावरण हो रहा है। प्रह्लाद जी ताल देके नृत्य कर रहे हैं, सनत कुमार जो हैं जय जयकार करते हुए नृत्य कर रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, इंद्र जो है मृदंग बजा रहे हैं और सनत कुमार बार बार जय जयकार करते हुए कीर्तन कर रहे हैं। और तभी भक्ति वहां पर साक्षात प्रकट हो जाती है, पूरा वातावरण आनंदित हो जाता है, प्रमुदित हो जाता है, जन जन का मन प्रफुल्लित हो जाता है, भक्ति साकार स्वरूप में पधार जाती है, ज्ञान वैराग्य दोनों युवा हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। और यह आनंद, यह नृत्य देख के साक्षात मयूर मुकुटधारी वनमाला धारण किए हुए, केशर कस्तूरी का चंदन धारण किए हुए श्री कृष्ण प्रभु स्वयं भक्तों के बीच में प्रकट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ताल में ताल देके नृत्य करते हैं और भगवान बीच में विराज रहे हैं, सब भक्त आस पास नृत्य कर रहे हैं, रास मंडल बन जाता है कि भक्ति ही सूतौ तौ तरुणौ ग्रहीत्वा प्रेमै करूपा सहसा विरासी। भक्ति सूतौ तौ तरुणौ ग्रहीत्वा प्रेमै करूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण हरे नाथ दीना मानि मोहर
की कथा का, महात्म्य की कथा का, प्रथम दिवस की कथा का यहीं पर विराम लेते हैं। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभा की जय, श्रीमद भागवत भगवान की जय। दर्शन खुलने का समय हो गया है तो आरती, श्रीमद भागवत जी की आरती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आरती प्रज्वलित कर करके ले आई नारायण वासुदेव। श्री यमुना महिला मंडल की सभी सदस्य आरती हेतु अग्रिम पंक्ति में आ जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आरती पधराएं, दौलाल जी नीमा कृपा करके आरती प्रज्वलित करके यहां पधरावे। सभी वैष्णव कृपा करके ध्यान दें, आरती के पश्चात आरती के वक्त ही आप अपना स्थान पर से खड़े हों। पहले से जब सभा चल रही हो, जब आपसे की कथा चल रही हो, आप दर्शनों का शीघ्रता करते हुए खड़े होने की जल्दबाजी ना करें। सभी वैष्णव इस गरिमा का पालन करें। आरती के पश्चात आप श्री चरण स्पर्श देंगे। बगैर धक्का मुक्की के पंक्तिबद्ध होकर के ही आप चरण स्पर्श का लाभ प्राप्त करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि गान यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, जग के मंगल की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती, भागवत भगवान की है आरती, जनों को भव सागर से तारती, शांति गीत पावन पुनी, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती, ये मधुर बोल पग पंथ खोल, सन मार्ग बताने
माला मधुर बोल जग पंथ गोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सीताराम यही राधेश्याम यही सीताराम यही राधेश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती भक्त जनों को भव सागर से भागवत भगवान की है आरती भक्तजनों को भव सागर से तरती भागवत भगवान की है आरती भक्तजनों को भव सागर से तरती भक्तजनों को भव सागर से तरती भक्तजनों को भव सागर से धर्माणि प्रथमान्या सन्नाथ महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नन्दनन्दनाय विनमहे राधावल्लभाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् ॐ पञ्चम वेदाय विनमहे परमहंसाय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात् सांगायो सपरिवाराय सायुधायो शक्तिकायो सवाहनाय भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि सभी वैष्णवगण थोड़ा सा अपने स्थान से पीछे की ओर हो सूचना सुन लीजिए यदि आप श्रीमद् भागवत भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की परिक्रमा करना चाहते हैं वैष्णवगण जैसा कि परंपरा है तो मंच के चारों ओर आप ऊपर चढ़ के नहीं